मेरा भारत महान। इस मुल्क में अलग अलग मजहब के लोग अमन और चैन से रहते हैं। अनेकता में एकता है, तभी तो है मेरा भारत महान। दुश्मन मुल्क, आतंकवादी और माफिया, सभी ने मिलकर इस मुल्क की एकता और अखंडता को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की और आज भी कर रहे हैं। जैसे कि 93 के मुंबई ब्लास्ट, 98 कोयम्बतूर बॉम्ब ब्लास्ट, 2002 अक्षरधाम पर हमला, 2007-2013 हैदराबाद ब्लास्ट। वो अपने इन घिनौने मंसूबों से इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक इसमें नाकाम ही रहे। दैट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया। जो गैंगस्टर मुंबई ब्लास्ट के बाद इस मुल्क से फरार हो गए थे, उन्हीं में से एक था साधु भाई। सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और फिलीपींस में अपना डंका बजाने के बाद वो साउथ ईस्ट एशिया का बेताज बादशाह बन गया। उसने आतंकवाद से हाथ मिलाकर मुल्क में कई ब्लास्ट करवाए और दहशत फैला दी। 20 साल तक पुलिस की नाक में दम कर रखा था इस साधु भाई ने, लेकिन नहले पे देहला पड़ ही जाता है और उस तुरुप के इक्के का नाम है बादशाह। लोग माफिया में दहशत फैलाने और पैसे कमाने के लिए आते थे, लेकिन बादशाह ने माफिया में कदम रखा अपने पिता की खातिर। बादशाह, तूने पूरे माफिया की वाट लगा रखी है, अद्भुत। लेकिन तुझसे एक खता हो गई, जो तूने माफिया के गॉडफादर साधु भाई को ललकारा। मैं डॉन येडा रॉबर्ट और तूने मेरे ही भाई को कब्र तक पहुंचा दिया। ये येडा रॉबर्ट फिल्मों का कीड़ा है। सुबह नाश्ते के बाद 2 फिल्में देखता हूँ। हर बार देखने के बाद दिमाग में बत्ती जलती है कि जब विलन को पकड़ते हैं तो उसे ठोकने के बजाय ज्ञान क्यों देते हैं, और दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता था। लेकिन अब सब क्लियर है, ये एक जुनून होता है लोगों को रोते हुए देखने का। ब्रेकिंग न्यूज, मरने के लिए थोड़ा इंतजार करना, पहले मैं तुझे थोड़ा तड़पाऊंगा। कसा कसा कसा। हाँ बापू, तेरे नजरों के सामने तेरे बाप को तड़पा के मारूंगा। ए, बादशाह के मासूम बाप को पेश किया जाए। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो शेर को कैद कर सके। घायल शेर की सांसें भी उसकी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती हैं। Ah!
बादशाह, तुम्हें सिर्फ हांगकांग पुलिस ही नहीं, हिंदुस्तान की पुलिस भी तलाश रही। तुम मेरे पापा का ख्याल रखना, हर परेशानी का एक हल होता है और इसका सोल्यूशन मैं खुद निकालूंगा। जब इंसान को सर्दी लगती है तो वो कंबल ओढ़ लेता है, मगर जानवरों को ठंड लगे तो वो बेचारे क्या करें? डोंट बी सेल्फिश, सी द नीड्स ऑफ फिश। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं नाश्ता कर सकती हूँ। स्वीटी और हनी, नाश्ता करने आ जाओ। पता है ना क्या कहना है? दीदी, आज मैंने घर में पोछा मारा, मैंने किचन साफ किया। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो, नाश्ता करो। क्या हुआ दीदी, आज नाश्ता करने से पहले समाज सेवा के ऊपर कोई ज्ञान नहीं दिया? अचानक इतना बदलाव कैसा? क्योंकि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म करके हिंदुस्तान वापस जा रही हूँ, इसीलिए आखिरी 10 दिन में यादगार बनाने के लिए बहुत मस्ती करूंगी। क्या दीदी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सरप्राइज देना था ना। हाय चार्ल्स, चाओ 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 जानकी, चाओ क्रिस्टोफर, चाओ एंड्रिया, चाओ चाओ चाओ। हद हो गई, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और हमारा नाम कोई नहीं जानता। तुम्हें आए 1 साल ही हुआ है और हर कोई तुम्हें जानता है, ये सब कैसे कर लेती हो? सोनिया दीदी ने हिंदुस्तान के तौर तरीके अपना लिए और दीदी का तो रिवर्स गेयर होगा। तुम हिंदुस्तान से आकर पूरी इटली को अपना लेना। चाओ एंजल। ये काव काव और चाओ चाओ सुनकर आप खिलखिला रहे होंगे। इटली में चाओ चाओ का मतलब होता है हेलो। अगर आप जानकी से इनके ताल्लुकात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इनके साथ चलना होगा। हम तो बीच पर जा रहे थे ना, तो तुम हमें हॉस्पिटल क्यों ले आई? तुम बस चलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग। ब्लड डोनेट करने आए हैं। तभी तुमने बिना ज्ञान के नाश्ता करने दिया, मैं खून नहीं दूंगी। मेरी बात सुनो, अच्छा खाना खाने से सिर्फ आप ही खुश होंगे और ब्लड डोनेट करने से अंदर आत्मा को खुशी मिलती है। मेरे में खून है ही नहीं। हमें अर्जेंटली पेशेंट के लिए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, क्या आप में से कोई बी पॉजिटिव है? एक सेकंड। डैडी, इतनी जल्दी आने को क्यों कहा? तुम सब ठीक तो हो ना? हम तो ठीक है, पर आपकी तबीयत बिगड़ने वाली है। फिर खून देना है? तुम सटकी हुई हो क्या? आर्टिस्टों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, लोकेशन पे डायरेक्टर चिल्ला रहा होगा। अंकल, शूटिंग करने से आप पैसे कमाएंगे और ब्लड डोनेशन से नेकी। नेकी बहुत कमा ली है, इटली के आधे लोगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। इसका फल मिलेगा आपको। हाय मेरी, क्या ये डोनर है? हां पकड़ो इन्हें। सर प्लीज सर, आइए प्लीज सर। घबराइए मत, संयम रखिए। सही कहा था बेटा तुमने, ये देखो फल ही मिला है। अंकल बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ही तो निकाला है बेटा। देखिए अंकल, नेकी दीवार पर मारी हुई एक बॉल है, जब बाउंस होगी तो डबल होगी। ऐसा नहीं होता बेटा, पिछले ही महीने एक प्रोड्यूसर को जरूरत थी तो मैंने हजारों यूरो कर्जा लेकर उसे दिया, आज वो मेरा फोन भी नहीं उठाता बेटा। और जहाँ तक बॉल की बात है, सिंगल बाउंस ही नहीं होती, डबल बाउंस कहाँ से होगा? आपकी किस्मत खराब है तो मैं क्या करूँ? हेलो, हाँ ट्रांसफर हो गए, थैंक यू सर। क्या हुआ अंकल? जिसे कर्जा दिया था ना, उसी ने कर्जा चुका दिया। बॉल बाउंस हुआ ना? हाँ, इस बार डबल बाउंस हुई। तुम अंकल से कुछ सीखती क्यों नहीं? खून तो वही है पर दिमाग नहीं है। इनका खून मेरे ग्रुप का नहीं है, मेरी तरह इनका दिल बड़ा नहीं है। अरे हाँ, मर गए, कहीं ये गुर्दा नहीं मांग ले यार। मैं कैसे भूल गई, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, एक बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। अरे बाप रे, तुम्हारे कहने पे खून दे दिया, अब अपना दिल नहीं दूंगा। डैडी कहाँ गए? करवा रही हो दीदी? रोड पर ढोल ताशा बजाकर चिल्लर मांग रहे हैं, क्या तमाशा है? दिल छोटा मत करो, चिल्लर मांगने से अगर किसी की मदद होती है। सारी इटली का ठेका हमी ने लेकर रखा है क्या? चुप रहो, तुम दोनों को समझाना नामुमकिन है। चलो पैसे जमा करो। तुम सेलिब्रिटी नहीं हो जिसे देखने के पैसे देंगे, अभी तक 5 यूरो ही जमा हुए हैं। चलो अब घर चलते हैं। बिल्कुल नहीं, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा हम ढोल बजाना बंद नहीं करेंगे। 10,000 यूरो डाका ही डालना पड़ेगा। रहने दो, लोगों की अंतरात्मा को जगाते हैं। क्या कहा? अंतरात्मा को जगाते हैं? हद हो गई, यहाँ चिल्लर जमा करने में हमारी आत्मा सो गई, अब तो तुम्हारी मदद यंग टाइगर ही कर सकता है। नहीं सुनिए। क्या बबली, तुम ऐसा कहर क्यों उठा रही हो? मैं तुम्हारे लिए सड़कों पर नागिन डांस करता रहा लेकिन तुम नहीं आई। सुनो बबली, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो प्लीज।
अब मैं समझ गया हूँ बबली, तुम बबली बदमाश नाम से मशहूर क्यों हो? हेलो, अब हेलो रुको। आई ये सब तूने उस लड़की के लिए किया ना? जब वो शुक्रिया कहने आई तब तूने उसे नजरअंदाज क्यों किया? अरे तो किस्सा यहीं खत्म हो जाता ना। नजरअंदाज करने की वजह से रात भर मेरे ख्यालों में डूबी रहेगी। That's what I want। वो एक फरिश्ते की तरह आया और चला गया। फिर मुलाकात होगी या नहीं? नहीं, जिंदगी में नहीं होगी। जिंदगी ना मिले दोबारा कभी नहीं आऊंगा तेरे चौबारा। मेरे बगैर रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से ही नहीं, मैं इस दुनिया से ही हमेशा के लिए चला जाता हूँ। अलविदा। हेलो, ओ दीवानी, स्टॉप, कूदना मत, मैं आ रही हूँ। रुक जा। अरे रुको, मेरी तरह तुम भी जान देना चाहती हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? क्यों रोका तुमने? उस दिन आपने रास्ते में नाचकर मेरी बहुत मदद की थी, तो अब धक्का देने के लिए मेरी मदद करना चाहती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ बिताइए। चीप, मैं शरीफ इंसान हूँ। ओए, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो? ओ यश, मैं पागल हो चुका है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर तुम मेरे साथ दिन गुजारने वाली थी। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने की हजार वजह दे सकती हूँ जिससे आप खुदकुशी का ख्याल ही छोड़ देंगे। मेरी बात मान जाइए, प्लीज 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 मेरी बात मानिए ना, प्लीज। एक दिन के लिए मरना पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, चलता हूँ। मेरे मरने का सदमा लेकर तुम मर गई तो तुम्हारा सदमा लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? थैंक यू जी, अब समझे तो सही। लोग मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करते हैं, यहाँ मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर मेरी जिंदगी में जीने की उम्मीद नहीं जगा सकी तो कल तुम मुझे यहीं लाकर छोड़ोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा लूट चुकी है। ओके डन। चाओ जानकी मैडम। चाओ पीटर। नो पीटर, नाउ आई एम पीटर गणेश। प्लीज सिट डाउन मैडम, आई विल गेट समथिंग फॉर यू। पीटर गणेश, इस नाम के पीछे लंबी कहानी है। क्या सुबह सुबह पका रही हो? एक दिन तो मिला है, उसमें कहानियाँ सुना रही हूँ मैं, क्या इन पर बायोपिक बनाऊंगा? बेसब्री मत दिखाइए, मैं पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर भी आपकी तरह मरने ही गया था। कूदने वाला था वो, ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ था पर ट्रेन ही नहीं आई। फिर मैं उसे मनाकर घर ले गई और पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझसे शेयर करो। तब उसने राज खोला, वो बिजनेस तो बड़े बड़े कर रहा था पर दिवाला निकल गया। शक्ल से ही चोर लगता है, बिजनेस क्या खाक करेगा? अरे ऐसा नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया था। सेम टू सेम बबली बदमाश की तरह। सही पकड़े हैं। मैंने कहा पीटर, जिस हिम्मत से तुम जान देने जा रहे थे उसी हिम्मत से नई जिंदगी शुरू करो। एक दिन में समझ गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ लजीज खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी। मैंने उसे गणपति बापा की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने उसका धंधा ऊपर उठाया और गंदा ख्याल निकाल दिया। जिंदगी खूबसूरत है, खुशी से जियो जितने दिन है। आपकी समझ में आएगी नहीं ये बात। जब फटी हुई गेंद मिली तो मत घबराओ, उस गेंद को सियो और अपना काम चलाओ। अगर इसी तरह आपकी जिंदगी फट गई है ना, तो उसे भी पैच लगाओ और आगे बढ़ो। देखो, उसे पैसे की जरूरत थी इसीलिए उसने पैच लगाकर अपना काम कर लिया। मैं साइको हो गया हूँ प्यार की वजह से। हाँ मुझे पता है, वो पीटर तो समझदार था इसीलिए समझ गया, लेकिन आप अकल के कच्चे हैं। मैं मर जाऊंगा तो मेरा पुतला ऐसे ही बनाऊंगी? जैसी तुम्हारी इच्छा। चाओ जानकी मैडम। चाओ जेम्स। इस जेम्स का पहले पॉकेट मारने का धंधा था। तो इसमें क्या खासियत देखी? सब्र। ये अपने शिकार के लिए कई घंटों पुतला बने खड़ा रहता था। बहुत हार्ड, तो तुमने अपने दिमाग से इसकी दुकान चालू करवा दी। सही पकड़े। पहले जेम्स लोगों की पॉकेट से पैसे निकाला करता था, अब लोग जेम्स की पॉकेट में पैसे डालते हैं। देखो। हाय दीदी। ये कौन है? ये रामराज है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो ये जहन्नम में होते। ये मेरी कजिन है हनी और स्वीटी। और बाप का नाम हलवा है। बुरा मत मानो, इसकी सटक गई है, ताजा ताजा दिल टूटा है इसका। शक्ल से तो ये दिल तोड़ने वाला लगता है। सुना बैटरी ने क्या कहा? प्यार में धोखा खाने वाले का शॉर्ट सर्किट हो ही जाता है। उस बेवफा की वफादारी करके यहाँ चलाया, जेब में फूटी खड़ी नहीं है। पर जैसे उस धोखेबाज का ख्याल आता है, लगता है कि कोई सीने से लगा ले और कहे कि रामराज संयम रखो, बिल्कुल मत घबराओ, दिल से काम लो। लेकिन इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है, कोई मुझे दिल से नहीं लगाना चाहता। नहीं, मैं जा रहा हूँ। परेशानी खत्म हो जाएगी। हो रही है ना? परेशानी दूर हो रही है ना? घबराओ नहीं, देखो कैसा चिपक रहा है। बेवफा ने मेरी जिंदगी को फुटबॉल बना के उसे केक मार दी। देखो, फुटबॉल से मुझे याद आया, जिंदगी एक प्लेग्राउंड है। अगर एक बॉल खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं? नई बॉल खरीदते हैं। अगर बबली तुम्हें छोड़कर चली गई है तो जाने दो, तुम्हारी प्रॉब्लम फुटबॉल जितनी बड़ी नहीं है, क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है। बास्केटबॉल जितनी तकलीफ का सामना करने वाले एक शख्स के बारे में बताती हूँ तुम्हें। उसे किसने तकलीफ दी? ऊपर वाले ने दी। वो 3 साल का था तब उसकी माँ चल बसी, और 13 साल की उम्र में पिताजी, और 23 साल की उम्र में इतना ब्रेक नहीं था। अगले ही साल चाचा चाची मामा मामी भी टपक गए। बाप रे बाप, अगर ये कुछ साल और जिया तो दुनिया खत्म। कौन है ये मौत का फरिश्ता? अब क्या बताऊँ, मैं पहाड़ की चोटी पर पतंग उड़ाने गया था, फिर के उठाने झुका तो उसे लगा खुदकुशी कर रहा हूँ और मुझे अपने घर ले आई। बस तब से ऐशो आराम में कट रही है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना किसी की भी ना हो। किसी ने दस्तक दिया। सलाम मैम साहब। सलाम मुकुल। आइए ना। एनी प्रोग्रेस?
जब से आपने प्रेरणा दी है तब से जिंदगी से प्यार होने लगा है। बढ़िया, आप ही की तरह दूसरों के गमले में पौधा उगाना सीख लिया है। शाबाश, तो इसके बाद तुमने क्या किया बताओ? गर्ल्स हॉस्टल में जाकर लड़कियों को पिज्जा खिलाकर आया हूँ। पिज्जा खिला के आए? इंडिया में जैसे गरीबों को वड़ा पाव फेमस, इटली में गरीबों में पिज्जा फेमस। वेरी नाइस। उसके बाद? फिर पड़ोसन को गोद में उठाया। आप गलत मत समझिए, वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तो फायदा नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं, केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो फिसल गई थी। वो एहसास बहुत ही प्यारा था। मैं आपके बायोपिक के दूसरे सीजन पर हूँ, आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम। सुरताल बहुत अच्छी पकड़ी है। मुकुल, मेरी तारीफ बोल कर मत करो, लिख कर करो। अबे गेंद बेच रहा है, खिलौनों की दुकान खोली है। मेम साहब की गेंद की फिलोसॉफी नहीं पता? ये जाहिल है कौन? ये रामराज है। तो वनवास जाइए। खुदकुशी करने वाले थे, प्यार में धोखा मिला है। मैडम क्या हुआ? मुझे बबली बेवफा की बेवफाई याद आ गया। अब मैं मरने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ, छोड़ दो, मैं मरूंगा। आ मैडम, मैं हूँ ना मैडम, मैं मरना चाहता हूँ, ट्रेन के नीचे आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। अरे छोड़िए ना मैडम, मरेगा तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर मैं ऐसा सोचती तो तुम जिंदा होते? क्षमा कर दीजिए मैम साहब, ये रात यहीं गुजारेंगे, समझ गए? और मैं क्या करूँ? तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। मेरी गेंद वाली फिलोसॉफी ने ठीक से समझाओ, इनमें जिंदा रहने की भावना पैदा करो, समझ में आया? भावना के साथ मारूंगा इसे। हाँ समझ गया। सुनो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते हैं, जानते हो क्यों? ताकि कोई गलती हो जाए तो रबर से मिटा सके। लेकिन बड़े होने के बाद पेन से लिखते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फायर थॉट है मैम साहब। मैम साहब अगर आप नहीं भी कहे तो भी ये पेंसिल वाला जिक्र मैं इसमें जरूर करूंगा। मुकुल कब से लिख रहे हो, पब्लिश कब करोगे? अच्छा ये भी लिख दो रामराज। हाँ मैम। रात में मेरी बात पे गौर करना, पेंसिल के बारे में मैम। सही पकड़े हैं, मैं सुबह मिलती हूँ। बबली की याद सताई तो मुकुल से बात कर लेना। मुकुल ध्यान रखना। ठीक है मैम, गुड नाइट। दुआ में याद रखना मैम साहब। क्या रे शाणे, मरने की ख्वाहिश है तो चल मैं पूरी कर देता हूँ। उठ, मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाता है, चमड़ी उधेड़ दूंगा। शराब कहाँ है? कौन सी शराब? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देख के नियत भी बता देता हूँ। शाणा लगता है बाप। क्यों बे, पूरा परिवार जन्नत में? जन्नत में नहीं, धरती पे ही है। देख मुगुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे चाहिए जान की। 10,000 यूरो आज से तू मेरे लिए काम करेगा। आज से मैं आपका गुलाम हूँ। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी, फैसला तुम्हें करना है। मैम साहब धमाल नसीहत दी है, जाके बायोपिक में ऐड कर लेता हूँ। बकवास मत करो, गाना तारीफ बोल के मत किया करो। अच्छा ये लिख लो। मेरी बात सुनो, परेशानी एक बॉल की तरह होती है, उसे करीब से देखोगे तो वो बहुत बड़ी नजर आएगी, अगर दूर फेंक दोगे तो नजर ही नहीं आएगी। गेंद तो छोटी होती है, उसे फेंक दूंगा लेकिन सांड की बच्ची को उठाऊंगा कैसे? तो ये वजह है, असल में तुम्हें बबली बेवफा से प्यार नहीं, नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो गेंद तो फेंक दी लेकिन नफरत की हवा कैसे निकालो? मेरे पास हर मर्ज की दवा है मुगल। जी मैम साहब। समझिए बबली बदमाश है, निकाल दो सारी नफरत। मैम साहब जिंदगी में बहुत नफरत मिली है, अब और नहीं चाहिए। किसी की जिंदगी का सवाल है, कॉपरेट करो। रामराज अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लो। ले लीना, अब बबली बेवफा की सारी बेवफाई याद करो, याद करो, दिल से याद करो, दिमाग से याद करो, गुस्सा करो। अब आंखें खोलो। बेवफा बबली आ गई तुम? मैम साहब तूने बहुत तड़पाया है मुझे, प्यार का राजा बोलकर अपना गुलाम बनाया मुझे। खुद तो शॉपिंग के लिए जाते थी और मुझे अपना डॉग संभालने के लिए रखा था। जब भी तुम्हारे दोस्त आते तो मुझे बारटेंडर बना देती, मेरे ही घर में आके हार्ड ड्रिंक पीते और मुझे सॉफ्ट ड्रिंक देते। जलाल, रोहित, कल्पेश, फरीद सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देख देती तुम और मुझसे ब्लैक में टिकट मंगवाती। भाई मुझे उसका नंबर दे दो ना। सॉरी मैम साहब। ला मेरा फोन दे मुझे। मेरे दिए हुए फोन से रात भर दूसरों से चैटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये गया फाड़ने। मैम साहब ये क्या हो गया? ये तो मिराकल हो गया, सारी नफरत खत्म हो गई। मेरे फोन पे क्यों उतारी? क्या हुआ, वो सेकंड हैंड था ना। रामराज की अंतरात्मा जाग गई, और क्या चाहिए? मैम एक ही दिन में जीने की उम्मीद जाग गई, और 10 दिन साथ बिताए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मान जाओ ना। दीदी के पास वक्त नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान वापस जाना है। हाँ पर मेरे जाने तक ये हमारे साथ ही रहेंगे। क्या दीदी, तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए और इन्हें जिंदगी जीने के लिए चाहिए। सही पकड़ी है मैम, इतनी मजबूत गोलकीपर है कि कभी गोल नहीं होने देती। बादशाह तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? जानकी मिल चुकी है, कुछ ही दिन में काम हो जाएगा। टिप मिली है कि साधु भाई के बंदे इटली पहुँच चुके हैं। उन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम बस पापा का ख्याल रखना। ठीक है। भाई सिर्फ हाथ रखा तो तुमने गला पकड़ लिया। तू पहला शख्स है जो मुझे पीछे से छूने के बाद भी बच गया। Hi,
मिड द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है मशहूर हॉरर फिल्मों के डायरेक्टर, जिन्होंने बनाई है भूत ने मारा पिशाच, लटकता भूत, फुटबॉल खोपड़ी का, ऐसी डरावनी फिल्में बनाई है जिससे डर कम और हंसी ज्यादा आती है। तो मिलते हैं भूतिया नागनासुर जी से। नागनासुर जी नमस्ते। डायरेक्टर साहब, जब भी लोग कहानी लिखते हैं तो किसी पहाड़ी इलाके में या शांत जगहों पर लिखते हैं, तो आप कहाँ लिखते हैं? भूतों के समंदर में। क्या? यस, मैं उनके समंदर में गोते लगाकर कहानियां लाता हूँ। सर, आप भूतों के साथ क्यों लिखते हैं? मतलब ये बात तो बहुत अजीब है ना? आजकल इंसानों से ज्यादा भूत समझदार हो गए। सुना है आपकी हर फिल्म की हीरोइन के साथ आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का अंदाज है। मेरे चक्कर के चक्कर में ऐसा पड़ती है कि वो चुड़ैल को भी टक्कर दे देती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं वो जहाज के कप्तान है, आपका क्या कहना है? ये बकवास है। मेरे नजरिए से डायरेक्टर जहाज का कप्तान या टैक्सी का ड्राइवर, प्लेन का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर? चोर होता है। चोर होता है वो जो सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेब से पैसे चुराए, ऐसा चोर। बहुत ही वाहियात सोच है आपकी। लोगों में ये अफवाह फैली है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली का विलेन अंडरवर्ल्ड डॉन येडा रॉबर्ट से प्रेरित है। बेशक। बड़ी खुजली है इसको। मतलब आपकी फिल्म में जो भी था वो हकीकत है। आपकी नजरों में येडा रॉबर्ट होगा गुंडा, पर मेरी रिसर्च बयां करती है कि वो एक कॉमेडियन है। ऐरा, गैरा, नथू, खैरा। शुरुआती दिनों में वो बेबी सिटर के जैसे डॉगी सिटर था। एक दिन एक डॉग ने उसके बॉस को काटा, तभी से वो डॉगी सिटर से डॉन हीटर बन गया। उसने कभी आपसे प्रोटेक्शन मनी नहीं मांगी? हाँ, एक बार 40 करोड़ मांगा था उस चुच्चे ने। मैंने कहा घाघरा चोली पहनाकर सड़क पर भीख मंगवाऊंगा, तो डर के मारे फोन ही काट दिया। आपकी अगली वेब सीरीज चमकती चुड़ैल सीजन 2। इसका सीजन 1 फ्लॉप था, इसीलिए तो सीजन 2 आ रहा है। ये भी फ्लॉप हुआ तो अगला बनाऊंगा। कमजोर दिल वालों, सीजन 2 भी आ रहा है। तो ये थी नागनासुर जी से बोरिंग मुलाकात। आई ऑन इस फोन नंबर। अगली फिल्म में इसी एंकर को चुड़ैल बनाऊंगा। हेलो, येडा रॉबर्ट बोल रहा हूँ। हाँ भाई। तेरे पागल डायरेक्टर को फोन दे। देता हूँ, छोड़ना मत उसको। सर, तुमने येडे रॉबर्ट को गाली दी ना, उसने टेलीकास्ट देख लिया। बोल दूं चल बस। सर बोल रे, क्या बक रहा था? क्या बेचाने क्या हक रहा था टीवी पर? गन्ने की मशीन में डाल के तेरा जूस निकालूंगा। अबे निचड़, मैं कल शूटिंग के लिए इटली जा रहा हूँ। अगर तेरे पास भाड़े के गुंडे, अगर उनमें जिगरा है, जेब में भाड़ा भी है, तो उन्हें वहीं भेज देना, निपट लूंगा। पागल हो गया, वो बर्थडे पार्टी में आने के लिए थोड़ी बोल रहा था, जो सीधा उसको इन्वाइट कर दिया। ए, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, यानी 2 गज जमीन के नीचे, तो इनसे कैसा खौफ? जब मैं ऊंचे लोगों की गिनती नहीं करता, उन्हें ठोकर मारता हूँ, इन्हें तो मैं लिटा लिटा के मारूंगा। सुनो जानकी, जानकी कौन है? दरअसल डायरेक्टर भूतिया नागनासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय दूसरा प्रोड्यूसर भी यही है, क्या तुम तो मैनेज कर लोगी? हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, मुकुल मेकअप कम कर, जानकी के पास पहुंचना है। हाँ, चल रहा हूँ भाई, पर एक बात समझ लो, जानकी मैम साहब को हासिल करना नामुमकिन है। नामुमकिन शब्द मेरे लिए है ही नहीं। आप तो सुसाइडर्स को जीने की राह दिखाती हैं, ये फिल्मों के चक्कर में कैसे फंस गए? रामराज, इस काम के पीछे मेरा एक मतलब छुपा है। मतलब ही? और आप, मुझे यकीन नहीं। अरे मेरा मतलब नहीं, सबकी भलाई का मतलब। सुनने में फीलिंग अच्छी आ रही है, पर मायने क्या है? एक दफा मैंने इस डायरेक्टर का टीवी पर इंटरव्यू देखा, बहुत ही वाहियात इंसान है, लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, बच्चों से प्यार नहीं करता, समाज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, सेक्स वायलेंस भूत चुड़ैल कितना खौफजदा है। इसीलिए अगर इसे ख्यालात बदल दें और गेंद की फिलोसॉफी पे फिल्म बनवाए तो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सिनेमा हर इंसान देखता है। एकदम सही, सिनेमा की वजह से ही आज हम नागिन डांस करते हैं और रोमांस करना भी सीखा है, और पीछे से गुप्ती घुसाना भी। ए, चुप रहो, हमेशा बीच में बोलते हो। सॉरी मैम साहब। डायरेक्टर आगे चलो। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना दे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। क्या हुआ? बात यह है कि नहीं सर, लोकेशन बताने के लिए हमें भेजा है। मैं बस्ती बसा रहा हूँ क्या? सर बैठकर इत्मीनान से बात करें। सर ये मिलान की लोकेशन है। असिस्टेंट, राज शेट्टी की मूवी ने कितनी कमाई की? अरे सुपर फ्लॉप है सर, थिएटर में लोग टमाटर जूते चप्पल फेंक रहे हैं, यहाँ तक कि हीरो के खिलाफ वारंट भी इश्यू हो गया। हेलो, कैसा है राज? मैं भूतिया नागनासुर बोल रहा हूँ इटली से। भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? हाल क्या पूछ रहा है? तेरी फिल्म ने धमाल मचा दिया है यहाँ। क्या पता है, तेरे कटआउट्स को यहाँ की पब्लिक दूध से नहला रही है। आइला, तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर, तब तक मैं कोई और भूतिया प्लॉट चुनता हूँ, आगे मिलता हूँ, लव यू। ठीक है भूतिया जी, लव यू। यहाँ कितने बेवकूफ लोग हैं, हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर, जिस फिल्म ने पानी नहीं मंगा उसे आप करेले का जूस पिला रहे हैं? इसे हकीकत का पता 3 महीने बाद चलेगा, तब तक ये हमें डेट दे चुका होगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सुन, जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बना। सर आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताइए तो मैं आपको लोकेशन बताऊंगी। मेरी रिक्वायरमेंट है कहानी। ये क्या सर, बिना कहानी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन से ही कहानी बनेगी। समझ लीजिए, आपको कहानी मिल गई सर। मैडम के दिमाग में ताजा स्क्रिप्ट रेडी है, एक मौका तो दीजिए, 300 करोड़ का बिजनेस है सर। तो शुरू हो जाओ मोहतरमा। हिमा शक्ति देना। रेडी सर। एक वक्त की बात है, हीरा नगर में सोनापुर गांव में एक अमीर शख्स रहता था। नाम अमीर चंद था? बिल्कुल नहीं सर, फकीर चंद था। ओ। इतना अमीर होने के बावजूद उस इंसान की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो सबकी मदद करे।
उसने अपने पैसों से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथालय, सुलभ शौचालय, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, सड़कें, तालाब, कुएं और बहुत कुछ। और जब उसके पास एक पाई भी नहीं बची ना, तब जो कपड़े उसने पहने हुए थे उसी में वो झोपड़े में चला गया। अब नाम जस्टिफाई हुआ, फकीर चंद। और इतना ही नहीं सर, इस कहानी का एक बेहतरीन नाम भी सोचा है मैंने। तो बक दो। फकीर जायदाद लुटाकर बन गया अमीर। ये टाइटल है कि एड्रेस? भिखारी बन गया अमीर। अगर मैं इस कहानी पर फिल्म बनाऊंगा तो मैं रास्ते पर भीख मांगूंगा। सुन असिस्टेंट, इनकी बकवास स्टोरी सुन के एक डरावनी कहानी दिमाग में आई है। भूतनी मांगे खून। इस कहानी का हीरो माजूर है और हीरोइन चुड़ैल। हमारे रोमांटिक सीन में हमारा बिना हाथ पैर वाला हीरो विलेन की गर्दन पकड़ के पटक देता है। जमीन पर विलेन पांव पकड़ के रो रहा है। कैमरा ऊपर उठता है, चुड़ैल का आइटम सॉन्ग। चुड़ैल भी तो अपाहिज है, वो डांस डायरेक्टर देखेगा, तुझे क्या तकलीफ है। अगले सीन में एंट्री होती है दूसरे विलेन की। लूला हीरो पत्थर उठाता है, विलेन को मारना है। भचाक, भचाक, भचाक। विलेन का खून झरने की तरह बहता है, इसे कहते हैं कहानी। लूला पत्थर कैसे उठाएगा? ये भूतिया नाथ की रोमांटिक फिल्म है, इसे कहां से पकड़ के लाए हो? अब आता है क्लाइमैक्स, जिसमें चुड़ैल विलेन की कॉलर पकड़कर जमीन पर पटक देती है और एक बेहतरीन डायलॉग मारती है। मसल के कर दूंगी खा, क्योंकि मैं हूँ आग। गट्टू फाइट। ये कॉमेडी चल रही थी? भेजे में नहीं घुसी, ये हॉरर कॉमेडी है। ये पिक्चर किस ग्रह के लिए है? ये फिल्में ऐसी होती हैं, इंडिया में ऐसी ही फिल्में चलती हैं बच्चू। और बकवास क्लाइमैक्स। गाड़ी अभी तक यहीं पहुंची है, रात में पेट्रोल डाल के आगे की सोचूंगा। बेबे, इस फाड़ू कहानी के लिए मुझे लोकेशन बताओ। सर, आपकी कहानी के लिए ये लोकेशन चलेगी क्या? जब कहानी नहीं है तो लोकेशन कैसे समझ में आएगी? सूरज, रिकॉर्ड करो। फ्रेम में 10 प्रोफेशनल गुंडे भागते हुए चले आ रहे हैं। अरे यार सूरज, सोच हकीकत में बदल रही है। अरे ये सोच नहीं है, हकीकत है। रामराज, दीवार पर मारी गेंद वापस आती ही है। मैंने टूरिस्ट को ठगने वाली एक गैंग को पुलिस में पकड़वाया था। लगता है ये वही है जो मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। नहीं, ये मुझे मारने आ रहे हैं। ये एडे रॉबर्ट के गुंडे हैं, मैं सबको पहचानता हूँ। नहीं, वो मुझे मारने आ रहे हैं। तो वो मेरे लिए आ रहे हैं। अरे कह रही हूँ ना, मेरे लिए आ रहे हैं। अरे पागल औरत, मैंने कहा ना मेरे लिए। अरे आपस में झगड़ने के बजाय ये सोचो उनसे कैसे बचे। भागो। अरे गलत मोड़ हो गया, हम क्यों भाग रहे हैं? यहाँ रुके तो कुटाई होगी। रामराज, तुमने मौत को मात दी है तो क्या इन्हें नहीं मार सकते? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम मरने के लिए पहाड़ से कूदने वाले थे ना, अब जिंदगी बचाने के लिए इन पर कूदो। ये झुंड में और मैं बॉलीवुड में। समझो कि ये गुंडे नहीं है, बबली बेवफा के आशिक है। इन्होंने ही तुमसे बर्तन धुलवाए थे। अपने शरीर की पूरी ताकत अपने पंच में लाओ। एक एक पंच में एक एक आदमी नॉकआउट होना चाहिए। रॉबर्ट की पहुंच तो इटली तक है। तो आपको क्या लगता है, वो कोई मामूली गुंडा है? कैसी लगी धुलाई? तो एकदम 3D मैम साहब। ऐसा लग रहा है फिल्म की शूटिंग चल रही है। आपने तो गोले में शोला भर दिया। अच्छा, ये पावर हाउस है? तू चुप रहे। बबली के आतंक के सामने मैं भीगी बिल्ली था, पर आज मेरे अंदर शेर की पावर आ गई। ये मैम की नसीहत की वजह से। इनके अल्फाज में ही हौसला है, पावर नहीं, पावर बूस्टर है। मैम, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अगर आप चाहे ना चिराग को घिस के जिन निकाल दें, पुतले में जान डाल दें, चुल्लू पर पानी से सबकी प्यास बुझा दें, बंजर जमीन को हरा भरा कर दें, लूले को बॉलर और लंगड़े को फुटबॉलर बना दें। अगर आप चाहे ना लूले को बॉलर और लंगड़े को फुटबॉलर बना दें। ये क्या दीदी, आज आप बिना नेक काम के खाना खा रही हैं, वो भी बेशर्मों की तरह बिना किसी का इंतजार किए? और उन लोगों के पाप का घड़ा भरता, मेरा नीचू का घड़ा भर गया, मैं कुछ भी कर सकती हूं। अच्छा, ऐसी कौन सी नेकी है आपके घड़े में? अरे एक हो तो बताऊं, मरते हुए पीटर को पीटर गणेश बना दिया, पॉकेट मार जेम्स को पूरी तरह
तरह मशहूर कर दिया और वो अनपढ़ जाहिल मुकुल है ना उसे तो राइटर बना दिया और उस फट्टू रामराज ने उन गुंडों की ऐसी धुलाई की और ऐसे पटक पटक के मारा कि सब डर के भाग गए और ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर वाकई मुझ में ऐसी पावर है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे झंडे गाड़ने होंगे। शुरू हो गई। नगर सेवक इलेक्शन में खड़ी हो जाऊंगी। सबको बिना नल के पानी मिलेगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी, गुंडागर्दी रोकूंगी। किस किस को रोकोगी? लोग पावर मिलने के बाद अंधे होते हैं और तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रही मुर्गा पार्टी को तो रोको। क्या बकवास कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें येड़ा बना के वहाँ ऊपर पार्टी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शागिर्द ऐसा नहीं कर सकते। ले चलो मुझे। राम भाई, अगर तुम वो एक्शन का जलवा नहीं दिखाते तो अब तक तो हमारा हलवा बन जाता। उस समाज सेवा की हरकतों की वजह से आज हम शहीद हो जाते। वो उसे मारने नहीं, मुझे मारने आए थे। बबली के दीवाने थे ये, किस चिड़िया का नाम है? अरे राम साहब, आप ही तो हमेशा बेवफा बबली का ढिंडोरा पीटते रहते हो। कौन है वो? धोखा खाए बेसहारा को लड़कियां जल्दी सहारा देती हैं, इसीलिए हवा में से ये कैरेक्टर इजाद किया। आपके अंदर तो एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ भरा हुआ है। मजबूत लपेटा आपने। मुकुल, बबली का ख्याल जहन से निकल जाए इसीलिए पिलाया ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। दवा तो यही थी। हाँ तो असर क्यों नहीं हुआ? दिल का जख्म गहरा होगा इसलिए। अरे अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई जवानों के दिल घायल हुए हैं। अगर होली में रंग नहीं लगाया होता, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े होते तो मेरी लाइफ भी कलरफुल होती। मतलब तुम्हारी प्रेम कहानी में होली का बहुत बड़ा हाथ है? अरे सिर्फ मेरा ही नहीं मुकुल, हर बेरंग जोड़े को ये होली का रंग ही मिलाता है। उसके बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। फिर क्या, लड़कों का रिमांड और लड़कियों की बड़ी डिमांड। फिर लड़कों को मजनू और खुद को लैला समझते हैं, लेकिन पत्थर तो मजनू ही खाता है। अरे भाई तू ही बता, ये चेहरा हीरो वाला लगता है क्या? बर्बादी की जड़ है फिल्में। एक तरफ तो कुछ कुछ होता है, प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरी तरफ है फैमिली ड्रामा, कभी खुशी कभी गम। इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली। और ये टॉर्चर क्या कम था कि सोशल मीडिया भी आ गया। ऐसी साजिश रची है कि बड़े बूढ़े सब इसका शिकार हो रहे हैं। ये लड़कियां खाना मसालेदार नहीं बनाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे स्टोरीज मसालेदार होती है और हम लड़के फंस जाते हैं। हम पर लानत है। नाउ एंजल, शक्ल से डेविल, ऊपर से लिखेंगे आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। हमारे देश की बर्बादी की वजह ये इलेक्शन विलेक्शन 2G 3G बिल्कुल नहीं है, ओनली जी है, जी फॉर गर्ल्स। ये पब्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, रिसॉर्ट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉनस्टॉप खर्चा नहीं कर पाती। अगर एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाना तो अपना हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। अरे राम भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? सारी लड़कियां ऐसी होती है क्या? सिर्फ एक को छोड़ के। किसे राम भाई? जानकी मैम। हमारी मैम सब औरत नहीं है, मर्द है। तो क्या कंफ्यूजन है? छी, देवी है, जी फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को गौर से देखा है? मैंने तो उनकी सिर्फ शक्ल देखी है, इतना डीप में कभी गया ही नहीं। वेस्टर्न ड्रेस में वो मॉडल्स को भी मात दे देती। ऐसा क्या? और जब साड़ी पहन लेती हैं तो गौरी माता की तरह लगती हैं। उन्होंने हमें जीने की राह बताई है और हम शराब पी रहे हैं। जब उन्हें खबर लगेगी तो उनका मोम जैसा दिल पिघल नहीं जाएगा। ठीक कहा आपने, मेम साहब देवी है तो हनी और स्वीटी उनकी सखियां हैं, वो तो झटके से ही मर जाएंगी। छी छी, तेरे कहने पर मैंने पहली बार पी है और ठान लिया कि आज के बाद पीऊंगा भी नहीं। इससे अच्छा मुझे तोड़ देते। देखो इनकी हकीकत, अब चलो यहाँ से। कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। मेम साहब की तारीफ करनी थी तो सीधे कर देते, जबरदस्ती दुनिया भर की लड़कियों को लपेटा। लड़कियों को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो है उनकी तारीफ। समझा नाड़ी? चल दारू निकाल। अब कहाँ से लाऊं? फोड़ दी ना तुमने। पागल है तू, सोडे की बोतल फोड़ी है, शराब की नहीं। राम भाई तुम तो सच में महापुरुष हो। अरे मुकुल। हाँ राम भाई। कल रात वाली बात से उसे नींद आई होगी कि नहीं? नींद आए ना आए, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। क्यों बेमनहूस? जानकी मैम साहब सोशल वर्क में लगी हुई है, उनका घर बसाने का कोई इरादा नहीं है, उन्हें लोगों की मदद करने में। गौरी माता लगती हो ना? अरे मेरे दिल के अल्फाज आपके मुंह से। आपको कैसे पता चले? तुम दोनों मेरी वजह से ही तो जिंदा हो, मैं कैसे नहीं समझूंगी। करेक्ट मैडम, मुझे पता है कि आप तारीफ के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आज मुझे मत रोकिएगा। नहीं रामराज, नहीं रोकूंगी, बोलो क्या बोलना है। आपकी तारीफ में ये कहना चाहूंगा कि आपकी जुल्फों को देखकर कोई भी मदहोश हो जाएगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज है। ये गर्दन, गर्दन गर्दन क्या बे? नेक, नेक नेकलेस के लिए होती है। ज्यादा अश्लील मत बन, तमीज धोकर पी गया क्या? ये रोड साइड रोमियो है और दीदी पर अपनी रोमियो गिरी झाड़ रहा है। चुप रहो, कवि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रामराज, मैम, तुम्हारे अंदर एक कवि छिपा है। जो भी लड़की तुम्हारी दुल्हन बनेगी किस्मत वाली होगी। मैं मंदिर गई थी, प्रसाद लाई हूँ, तुम्हारी मुराद पूरी हो। बाय। थैंक्स मैम। बाय मैम साहब। राम भाई, ऐसे वैसे बैट्समैन नहीं हो, पहली गेंद में बॉल स्टेडियम के बाहर।
DIG बलराम हमारे डिपार्टमेंट के एक होनहार और ईमानदार अफसर थे जो बदकिस्मती से माफिया के गोली का शिकार हुए। मिस्टर बलराम की टीम से जुड़े अफसर मिस्टर आदेश हमारे साथ अपने फीलिंग शेयर करेंगे। बलराम सर बहुत ईमानदार अफसर थे। हम जैसे अफसरों के लिए वो बहुत ही बड़ी मिसाल थे। मेरा मिशन है कि इनका कत्ल करने वाले बादशाह को सलाखों के पीछे डालना, और मैं इस मिशन में कामयाब हो के रहूंगा। जैसे खाने में है शींग दाना, गाने में पीचक दाना, मुमरा में पप्पू काना, वैसे ही दुनिया में मैं सबसे शड़ा। मुझसे बच के पाताल में क्यों ना छुप जाए। तुझे खोज के वापस पाताल में ले जाके वही तेरी कब्र बना दूंगा। क्या बेकार देख, अरे क्या हुआ, क्या एक्टर बनेगा तू? मुझे देख, जैसे खाने में सिंह दाना, गाने में है पीचक दाना, उम्रा में पप्पू काना, वैसे ही दुनिया में मैं सबसे सयाना। मुझसे बच के तू पाताल में क्यों ना छुप जा। तुझे खोज कर वापस पाताल में ले जाकर वही पर तेरी कब्र बना दूंगा। इतना भी भेजे में नहीं गुस्सा। क्या कहता है प्रोड्यूसर? बोल रहा है गांव जाके खेत वेत बेचना पड़ेगा। मक्खन बाजी बनकर उससे बोल पैसे लगाए, काम में टांग मत अड़ाए। हाँ बेबी, अपने विचार बताओ। क्या कहूँ, तारीफ के लिए लफ्ज ही नहीं है सर। बोलो रामराज। बिल्कुल सही मैम। हाँ। अगर आर्टिस्ट डायरेक्टर की 10% भी सुन लेना, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। है ना मुकुल? हाँ राम भाई, डायरेक्टर तो हमाल होता है, सबका बोझ उठाता है। हाँ? इसे तारीफ समझो या मजाक। वो छोड़िए सर, आप कल हिंदुस्तान वापस जा रहे हैं। अगर तुम कहो तो रुक जाऊँ? नहीं सर, हमारा रामराज बहुत अच्छा नाचता है। अगर इसे आप जैसा गुरु मिल जाए तो ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। बस करो, तुम ही सड़कों पे नाचते हुए मैंने देखा है। तुझे पगार देता है जो तरफदारी कर रही है। नहीं सर। ए, फिल्म इंडस्ट्री राशन की दुकान है कि पहुंचा और गठरी बांधनी। यहाँ टैलेंटेड लोग आते हैं। शांति भाई शाह, राकेश दई, किशोर हिरानी, करण बाबू जौहर, जहरीला नाग प्रसाद, ऐसी महान हस्तियाँ हैं इंडस्ट्री में। तुझ जैसे आवारा सड़क छाप रही। भूतनी के कब्रिस्तान के डायरेक्टर, चुड़ैल का नाती, डायरेक्टर का डी आता है, किसी शैतान की खोपड़ी है तू? क्या समझता है राजकिशोर हिरानी का और तू कहाँ? राजकिशोर हिरानी की किसी एक फिल्म का नाम तो बता। तब तक थी जान। अबे ये फिल्म महेश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है। डायरेक्टर मैडम रुक जाइए, ज्यादा मत मारिए, मर जाएगा, मैं संभालता हूँ। लड़की है इसलिए बख्श दिया, वरना 1/2 कर देता। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। राजकिशोर हिरानी का नाम तू महेश चोपड़ा की फिल्म पर चिपका रहा है। अब मुझे महेश चोपड़ा की फिल्म का नाम बता। तब तक थी जान, इसी पर तो धोया था इसने। दूसरी फिल्म का नाम बता। वो थी गुंडे ऑफ वसेपुर। गुंडे ऑफ वसेपुर? हाँ, नहीं थी क्या? इस फिल्म का डायरेक्टर है अनिरुद्ध कश्यप। तू तो इंडस्ट्री का विकिपीडिया निकला। उससे भी ज्यादा हूँ। इससे ज्यादा? अच्छा तो तू मुझे ये बता कि नई जंजीर फिल्म में तेजा का रोल किसने अदा किया है? अजीत साहब ने, और किसने? सही जवाब पे क्यों मारता है? तू पुरानी फिल्म की बात बता रहा है। उस फिल्म में अजीत तेजा बना था, लेकिन नई फिल्म में रामचरण तेजा फिल्म का हीरो है। ये कौन है? चिरंजीवी का बेटा। रामचरण तेजा का नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। रामचरण तेजा को नहीं जानता, रामचरण तेजा को नहीं जानता। अरे क्या कुछ भी बकते रहे, हट, चलिए चलिए, हम सब चलिए, राम भाई चलो। सुन, ये सब तो बिना डिटर्जेंट के मुझे धोकर चले गए यार। रिकॉर्ड किया है, वायरल कर दो। क्या हुआ मैम, आप अचानक इतना भड़क क्यों गई? उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। वो तो है ही गली, सबके साथ बुरा बर्ताव करता है। किसी से भी करे पर तुमसे नहीं। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन क्यों? राम राज परेशान मत करो, मैंने कह दिया ना, तुमसे नहीं मतलब नहीं। मैं मंजिल के करीब हूँ। बादशाह कहाँ है? उसे जब तक अपनी मंजिल नहीं मिलती वो नहीं रुकने वाला। अगर बादशाह के बारे में नहीं बताएगा तो यहीं पर ठोक दूंगा। तू मुझे मारना चाहता है ना? तो मारना। Kill me!
जो बादशाह नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा देता था, वो नाम आखिर खामोश कैसे हो गया? इसकी वजह जानने के लिए हम चलते हैं मकाओ के रॉयल कैसीनो। ये कैसीनो बादशाह के पिता की देखरेख में चलता है। साधु भाई की कुल आमदनी का 80% हिस्सा इसी कैसीनो से आता है। साउथ ईस्ट एशिया पर राज करने वाला साधु भाई भी हांगकांग में घुसने की जरूरत नहीं कर सकता था, और उसकी वजह थी खतरनाक विक्टर और उसका हैवान बेटा जॉनी। हांगकांग को अपना बेस बनाकर जॉनी हिंदुस्तान में ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई के काम को अंजाम देता था, लेकिन अब उसकी नजर धनराज के कैसीनो पर है। अजय, हांगकांग में विक्टर का राज है, पैसा हिफाजत से ले जाना, और याद रहे विक्टर बहुत खतरनाक है। ओके दादा। Get down! क्या लगा था मुझसे बचकर भाग जाओगे? इज्जत से लॉकर का पासवर्ड दे दो। बोल, नहीं तो गले की नली काटता हूँ। 20 05 1983। तेरी पैदाइश का दिन नहीं, कोड बता। सुन जॉनी, तुझे रोकड़ा ले जाने की तारीख पता चल जाएगी, बैंक का रूट पता चल जाएगा और तिजोरी का कोड पता चल जाएगा, पर तुझे धनराज के बेटे का पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने तेरे इलाके में कदम रख दिया है। वो फाड़ के रख देगा तुम सबको, और उस शेर का नाम है बादशाह। बादशाह की तरफ उठने वाले हाथ को काट दिया जाता है। ए, ये हांगकांग है, मेरे बाप विक्टर का इलाका है। इलाका कुत्तों का होता है और जंगल शेर का है। जंगल में जानवर हजार होते हैं, लेकिन शेर ही बादशाह होता है। जाके बता दे अपने बाप को बादशाह ने जंग का आगाज कर दिया है। विक्टर की बैंड बज गई, जॉनी की फट गई दादा। बादशाह मेरा बेटा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, उन्हें भी पता चल गया है कि मेरे पास एक शेर है। पहली बार किसी ने हांगकांग में विक्टर को मात दी है। ए गौरव, तुझे क्यों सैमसंग गया? कल भाभी की सालगिरह है, और हर बार की तरह इस बार भी उनके नाम की पूजा का इंतजाम एक मंदिर में रखा है, लेकिन वो विक्टर के इलाके में है। इस हालात में वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अंकल, एक बार जो तारीख मुकर्रर कर दी उसे बदलना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन बादशाह, शेर की दहाड़ सुनकर सांप भी बिल में घुस जाता है। जॉनी भाई को तोड़ा वो अपुन के एरिया में आया है। चला चला, जल्दी चला, गाड़ी और तेज चला।
तुम्हारी माँ का जन्मदिन मैं बड़े धूमधाम तरीके से मनाना चाहता था, पर मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन अब पैसा है तो तुम्हारी माँ नहीं है। चल 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 जल्दी चल। ए, कहाँ है बादशाह? निकल गया भाई। क्यों छोड़ दिया उसे? उसे देख के फट गई भाई। हाँ विक्रम बोल। ठीक है। साधु भाई ने पता नहीं अचानक क्यों मीटिंग रखी है। एक और बात, तुम्हें भी बुलाया है। मीटिंग कहाँ है? मीटिंग कहाँ होगी साधु भाई, लास्ट मिनट में बताते हैं। उसके लिए इंतजार करना होगा। बेटा बादशाह। कहाँ का बादशाह? मेरे पिताजी ने कुश्ती के दौरान बादशाह का खिताब जीता था, तब ये पैदा हुआ था। बस उसी वक्त से मेरे पिताजी इसे बादशाह बुलाने लगे। धनराज, तुम्हारे और मेरे बीच 20 सालों का वफादारी भरा रिश्ता है, भरोसा है तुम पर मुझे। झूठ बोल रहे हो। भरोसा था तो हमारी तलाशी क्यों ली? ये यहाँ का प्रोटोकॉल है। इसी को कहते हैं खौफ, फियर। विक्टर के इलाके में तुमने जॉनी को मात दी, वो तुम्हारी हिम्मत थी, लेकिन यहाँ जो कर रहे हो वो घमंड है। कोई बात नहीं, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। आपके मौके में कोई राज है? जो तुम दे रहे हो ये मौका नहीं है, ये तुम्हारी जरूरत है। काम बोलो। एंथनी नाम का एक शख्स मेरे माल की डिलीवरी देने केन्या से यहाँ आया था, लेकिन विक्टर ने उसे अगवा कर लिया। वो आदमी मुझे चाहिए क्योंकि वो माल मेरे लिए बहुत जरूरी है। कितना? मकाओ से भी ज्यादा। तो बदले में चाहिए मुझे मकाओ। मकाओ पर मेरा राज होगा। ए, साधु भाई से लेन देन की बात करता है। बॉयज ड्रॉप योर गन्स, स्टैंड डाउन। बादशाह, यू टू। बादशाह छोड़ो उसे। बादशाह छोड़ो उसे। बादशाह मुझे मंजूर है, तुम बस एंथनी को मेरे हवाले कर दो, मकाओ तुम्हारा होगा, पर इसमें बहुत खतरा है। खतरा भी बादशाह से खौफ खाता है। माइकल, ये सब बच्चे बाढ़ में बह के यहाँ आए हैं, बाढ़ पीड़ित। इनके बारे में पूछताछ करने कोई नहीं आएगा, बेचारे भोले हैं। इन्हें अंदाजा तक नहीं कि इनके ऑर्गन बिकने वाले हैं। इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करो। ठीक है भाई। इन्हें इंडियन एम्बेसी पहुंचाओ, जाओ। एंथनी कहाँ है? एंथनी? मुझे नहीं पता बादशाह। मुझे पता है कि तुझे नहीं पता, क्योंकि एंथनी को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ। बादशाह, वो हमें जिंदा चाहिए था। मैंने वादा किया था कि 4 बजे तक एंथनी तुम्हारे पास होगा, वादा निभा दिया। एक बार जो वक्त मुकर्रर कर दिया उसे बदलना बादशाह की फितरत में नहीं है। बादशाह,
तुम्हारे डैड को बिना बताए जो खेल हम साधु के साथ खेल रहे हैं वो आखिरी मुकाम पर है। अब खतरा और भी बढ़ गया है। अंकल, मंजिल को हासिल करने वाला खतरों के बारे में कभी नहीं सोचता। बहुत खूब बादशाह, वादे के मुताबिक तुमने मुझे अंतनी सौंप दिया और मैंने तुम्हें मकाओ दिया खैरात में। बादशाह खैरात लेता नहीं, देता है। मिस्टर बलराम। यस सर। हमें खबर मिली है कि हांगकांग का साधु भाई इंडिया में आरडीएक्स से भरा हुआ एक कंटेनर भेज रहा है। मैंने ये खबर ऊपर तक पहुंचा दिया है और वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए तुम्हारी टीम हांगकांग जाएगी। पर वहाँ क्यों जाना सर, अपने ही पोर्ट में पकड़ सकते हैं। वो हमारे पोर्ट छोड़ के किसी और पोर्ट पर ये काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 6000 किलोमीटर तक समुद्री तट फैला हुआ है, वो अपना माल कहीं भी उतार सकते हैं। आज तक इसी तरह से आरडीएक्स हिंदुस्तान लाया गया है। समझ गया सर, मैं इसी वक्त रवाना होता हूँ। और एक जरूरी बात, जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अपनी टीम को भी पूरी बातें नहीं बताओगे? बिल्कुल सर। साधु भाई, काफी सालों से आप हांगकांग को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं खुद हांगकांग को तोहफे में देने के लिए आया। जब मेरी औलाद ही नहीं रही तो मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। फिलहाल मेरे सर पर बस एक ही जुनून सवार है, बादशाह की मौत। उसके लिए साथ चाहिए। वो अपना ही बच्चा है। अगर ऐसा है तो फिर उसने मकाओ क्यों लिया? साधु भाई, मकाओ को हासिल करने के लिए बादशाह ने एंथनी को अगवा करने का ढोंग किया। चीयर्स। चीयर्स। भैया, याद है ना, आज डेविड के बेटे की शादी है। बादशाह जी, तुम भी शादी में जाओगे? जरूर। डेविड अंकल हमारे बहुत पुराने साथी हैं। श्योर डैड। सब शादी कर रहे हैं, तुम कब करोगे? अभी इसकी उम्र ही क्या है। अच्छा, ये कोई स्कूल जाता बच्चा है? भाभी होती तो सहरा सच चुका होता। अंकल, मेरी शादी हो जाएगी, पहले ये अटेंड कर लें। भाई, बादशाह डेविड के यहाँ शादी में रवाना हो चुका है। अच्छा, मकाऊ के मेयर हमारे कैसीनो में आने वाले हैं। तुम जाकर इंतजाम करो, मैं और गौरव शादी में जाकर आते हैं। ओके डैड। गौरव मेरे भाई, उसने पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारी और यहाँ तक मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। विक्टर को जल्दी खत्म करो। विक्टर अकेला नहीं है डैड, इस साजिश में साधु भी शामिल है। साधु भाई मुझे क्यों खत्म करना चाहता है? उसका टारगेट आप नहीं है, मैं हूं। ले आओ उसे। कॉल साधु, आई से कॉल हिम। हेलो भाई, बादशाह बच गया। हाँ मैं जानता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। बादशाह को मारने के बाद फोन करना, वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। किल हिम। साधु भाई को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? अपनी बीवी को भी खो दिया और वो मेरे बेटे को मारना चाहता है? क्या ऐसे धोखेबाज के लिए मैं काम कर रहा था? अब हमें खुद की सल्तनत बनानी होगी। अब साधु की गुलामी नहीं करेंगे बल्कि उसे खुद गुलाम बनाएंगे। बादशाह, तेरे अंकल के कत्ल में चाहे जिसका भी हाथ हो, चाहे वो विक्टर हो या साधु, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ के अंडरवर्ल्ड का बादशाह एक ही होना चाहिए और वो बादशाह तुम हो। बादशाह बहुत खतरनाक है, उसने मेरे बेटे का कत्ल किया, साधु भाई के हाथों से मकाओ छीन लिया। अब वो बेलगाम है। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, अब वो पूरे एशिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है। He is a conqueror। भाई, इतने लोगों की जरूरत नहीं है। उससे और उसके बाप को कब्र तक पहुंचाने के लिए मेरी बंदूक की एक ही गोली काफी है। शेर को मारने के लिए जानवर जमा करने से कुछ नहीं होगा, जिगरा चाहिए। अब तू मेरा जिगरा देखेगा, इतिहास के पन्नों से तेरा नामो निशान गुम हो जाएगा। मेरा नाम बादशाह इसलिए नहीं रखा गया कि मैं इतिहास में कहीं खो जाऊं, मैं इतिहास रचूंगा। अच्छा। Oh!
को मार डालो, उसे खत्म कर दो। इतिहास रचूंगा ना समझ है, बात मानता तो सिद्ध रहता। वही सर सलामत है जो बादशाह के आगे झुका, अगर उठा तो धड़ से अलग। हेलो बादशाह, तेरा भेजा हुआ मोहरा खत्म, मैदान साफ, अगला टारगेट तू है। बादशाह मुझ तक पहुंचना आसान नहीं है, मलेशियंस, कोरियंस, इंडोनेशियंस सबको रौंदने के बाद मैंने ये सल्तनत हासिल की है। उसी सल्तनत को हासिल करने ये बादशाह आ रहा है। तेरा वक्त खत्म, अब से मेरी हुकूमत चलेगी। तू देखता जा कैसे तुझे इतिहास के पन्नों से उखाड़ फेंकता हूँ। इतनी तेरी हैसियत कहाँ? तुझे मेरी हैसियत का पता मुझसे टकरा कर ही पता चलेगा। विक्टर जैसे चूहे को मार कर मुझसे जंग करने चला है। जंग बादशाह ने शुरू की है और उसे खत्म भी वही करेगा। बहुत जल्द मेरे कदमों में तू अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। टिल देन टेक अ ब्रेक। आई नो आप लोग शायद इस ट्यून की वजह से बोर हो रहे होंगे, लेकिन आप लोग वायलिन विक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते। ये बहुत ही उम्दा शख्स थे। भाई बचपन में मैंने तुम्हें बिना बताए छोटी छोटी गलतियां की हैं। मैं एक न एक दिन तुम्हें यह सब बताने वाला था, लेकिन तुम ये बिना जाने चले गए। अब बताओ मैं किसे बताऊं? फिक्र मत करो मेरे बेटे, तुम मुझसे कन्फेस कर सकते हो, मुझसे हर बात का जिक्र कर सकते हो, वो बात तुम्हारे भाई के पास पहुँच जाएगी। फादर जब मैं 10वीं कक्षा में था तब भाई की गर्लफ्रेंड कैथरीन की मैंने पप्पी ली थी, छी कड़वी थी। कम ऑन माय सन, उस उम्र में ऐसी चीजें अक्सर हो जाती हैं। तुम बड़े इमोशनल आदमी हो। थैंक यू फादर, लेकिन कैथरीन ने मुझे लाफा चिक्का दिया। मेरी इतनी सटक गई कि मैंने उसका रेप करके उसको मार डाला, क्योंकि मैं जज्बाती हूँ ना। इतना ही नहीं, मेरे भाई का बेटा जॉनी उसे लड़की और नशे की लत लगा के एक बेरहम आदमी बना दिया मैंने। लेकिन बैड लक, मेरी भाभी को यह सब पता चल गया तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मैंने भाभी को बेहोश करके पेट्रोल डाला और जिंदा जला दिया, फायर एक्सीडेंट बता दिया। और यही सब बोझ लेके मैं चर्च गया कन्फेस करने के लिए, लेकिन वहाँ गॉड से पहले आप जैसे फादर ने सुन लिया। मेरी फिर सटक गई, मैंने फादर के बाल खींचे और उसको घसीटते हुए चर्च के बाहर ले आया, पैर से गर्दन को मसल दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि जो भी मेरा राज जानेगा वह खुद राज बन जाएगा। ए फादर घबराना मत, ये सब मैंने विक्टर भाई के खौफ से किया था, बट नाउ यू आर सेफ क्योंकि मेरा भाई क्योंकि दुनिया में मैं जिससे डरता था और जिसे प्यार करता था वो था मेरा भाई विक्टर, सिर्फ विक्टर। और जिस शख्स की वजह से मैं दुनिया में यतीम हो गया हूँ वो है बादशाह, उसे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा कोई नहीं है, जीने की वजह भी होनी चाहिए ना, और मेरे पास वजह है बादशाह को मारना। Am I right? है? सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। साधु भाई रॉबर्ट, बादशाह को तुम्हारा भाई विक्टर भी मारना चाहता था और मैं भी, अब हमारा एक ही दुश्मन है बादशाह। शुक्रिया साधु भाई, अब मिलके उसका बाजा बजाएंगे।
विक्रम। हाँ भाई। हमारा माल फौरन हिंदुस्तान पहुंचाओ। आदेश, उस तरफ जाओ। आदेश, यहाँ आओ। सुनाई नहीं दिया, यहाँ आओ। इस ऑपरेशन के बारे में मुझे इत्तला नहीं की, ये बहुत गलत किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आदेश, मतलब तुम साधु भाई के लिए काम करते हो? यू बहुत खूब आदेश, हमारा माल बचाकर तुमने अपनी वफादारी साबित की है। अब तुम्हें अपने डिपार्टमेंट को ये यकीन दिलाना होगा कि बादशाह उन पुलिस वालों को मार कर माल लेकर फरार हो गया। ठीक है भाई। साधु भाई, बादशाह सिर्फ अपनी चंगुल में नहीं आया है, ठीक निशाने पर भी है और खत्म भी हो सकता है। कैसे? सस्पेंस। हेलो। ये क्या बेटा, दो दिन से मुझे कॉल भी नहीं किया। जरूरी काम में फंसा था माँ। ऐसा भी क्या जरूरी, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। बता कब आ रहा है? काम खत्म होने वाला ही है माँ, जल्दी आ जाऊंगा। Love you, माँ। Love you, बेटा। बस जल्दी से आ जा। Bye। हेलो। बादशाह, तुम्हारे पापा खो गए ना, मुझे मिले हैं। आजा। हे बादशाह, तेरे घर से तेरे ही पापा को मैंने कैसे उठा लिया, ये सोच के दिमाग को शॉट लगा है ना? आई हैव फ्रेंड्स, दोस्त। क्यों? मनी, ह्यूज मनी। तेरे नजरों के सामने तेरे बाप को तड़पा के मारूंगा। ए, बादशाह के मासूम बाप को पेश किया जाए। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो शेर को कैद कर सके। घायल शेर की सांसें भी उसकी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे डीआईजी साहब मिस्टर बलराम को और यहाँ के लोकल ऑफिसर्स के साथ हमारी पूरी टीम को बादशाह नाम के एक डॉन ने मार डाला है। पुलिस और हमारी सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह बहुत ही जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। बादशाह तो मैं सिर्फ हांगकांग पुलिस ही नहीं, हिंदुस्तान की पुलिस भी तलाश रही। तुम मेरे पापा का ख्याल रखना, हर परेशानी का एक हल होता है और इसका हल मैं खुद खोज लूंगा। हमारे ही डिपार्टमेंट का एक अफसर साधु भाई के लिए काम कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ तक उसने ये कह दिया है कि उस पुलिस अफसर का कातिल मैं ही हूँ और वो मेरे खिलाफ सबूत बन गया है। सर, आपने जो मुजरिमों की लिस्ट दी थी उनमें से कईयों को मैंने खत्म कर दिया है। फाइनल टारगेट साधु भाई तक पहुँच ही गया था। आदेश ने खेल पलट दिया और मैं पुलिस की नजर में मुजरिम बन गया। मैं तो यकीन कर सकता हूँ, पर डिपार्टमेंट को कैसे यकीन दिलाएंगे? और तो और, आदेश की मेरे भांजे से मंगनी हो रही है, जल्दी शादी भी होने वाली है। मेरे जीजा जी मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, लेकिन हमारी बनती नहीं। अगर मैंने उन्हें आदेश के बारे में बताया तो उन्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं उसे बख्शूंगा नहीं। उसने वर्दी के साथ गद्दारी की है और अब मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं सर, साधु भाई तक हमें कोई पहुँचा सकता है तो वो सिर्फ आदेश है। उन्होंने आदेश को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, हम उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे।
और उसी के जरिए आपकी भांजी को भी बचाएंगे। लेकिन कैसे? उसके लिए मेरे पास एक उम्दा प्लान है। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, फिर भी तुम बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हो। तुम्हें इस मिशन में जरूर कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया सर। आपकी भांजी इस वक्त कहाँ है? मिलान। अपने मकसद को लेकर बादशाह इटली पहुंचा और ना चाहते हुए भी वो जानकी से मोहब्बत करने लगा। दीदी का ये शादी का कार्ड अच्छा है ना डैडी? सिर्फ कार्ड ही नहीं बेटा, उसके पापा ने शादी का इंतजाम भी शानदार किया। ओ डैडी, मम्मी का फोन आया था, कह रही थी इटली से नेकलेस लेते आना। तुम्हारी माँ भी अजीब है, उसे इंडिया मेड नेकलेस चाहिए इटली से। सहेलियों को उसे जलाना है, आफत हमारी है। सुनो जानकी, सिर्फ दो ही दिन बचे हैं, अपनी सारी शॉपिंग पूरी कर लो, फिर हम इंडिया रवाना हो जाएंगे। क्या हुआ दीदी, हम आपकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आप मुंह लटका कर बैठी हैं। बेटा, लड़की जब दूसरे बंधन में बंधनी जाती है तो वो मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके दिल के करीब जितने भी लोग हैं वो पीछे छूटने वाले होते हैं। रामाई, ये कांच बीच में किसने रखी? इतना बौखलाया हुआ क्यों? क्यों ना बौखलाऊ, बवाल मचा हुआ है। भाभी का निकाह पक्का हो गया है, जब इंसिडेंटल कैरेक्टर बनकर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आप तो नरेटर हो, आपकी क्या हालत होती होगी? मुझे रामाई मरने तो नहीं चली गए? रामराज, I'm sorry। जानकी के बिना राम अधूरा है। Love you too। क्या बक रहे हो? कोई पंडित नहीं है मेरा भाई जो तुम्हारी शादी करवा देगा। पुलिस कमिश्नर है, तुम्हारा एनकाउंटर कर देगा। मोहब्बत किया तो एनकाउंटर कर देंगे, जब उन्हें खबर मिलेगी कि आप यहाँ पुलिस में नहीं है तब क्या करेंगे? पेट्रोल की बूंदे छिड़क के जला देगा। तुमने किसी सीधे साधे लड़के से प्यार क्यों नहीं किया? क्या ये टपोरी ही मिला तुम्हें? मेरे सामने तो बोल लिया, पर मेरे भाई के सामने बोलती बंद हो जाएगी? घर के आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह पुलिस ही पुलिस। और बताता हूँ, वहाँ दूध और सब्जी लाने वाला भी पुलिस। इफ बेल रिंग सब जो पुलिस इन। अंकल, मैंने जानकी को हासिल किया है तो उन्हें मनाना कौन सी बड़ी बात है? यकीन कीजिए। हाँ अंकल, राम को गेंद मिलते ही गोल कंफर्म, हमारी फ्लाइट के टिकट्स भी कंफर्म। अरे हर चीज कंफर्म है, तो देरी किस बात की, चलो हिंदुस्तान। हमारा 2000 किलो RDX हिंदुस्तान पहुंच चुका है। इस महीने की 20 तारीख को मुंबई में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, ऐसा धमाका करना कि मुंबई दहल जानी चाहिए। उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर, हर जगह धमाके होने चाहिए। उनके दिल में ऐसी दहशत भरेंगे कि उनके घर में बच्चा पैदा होने से भी डरेगा। फॉरेन कंट्रीज इंडिया के साथ बिजनेस करना बंद कर देंगी और रुपए की कीमत गिर जाएगी। और ये सब कुछ हम यहाँ बैठे बैठे करेंगे। लेकिन भाई, ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हजारों करोड़। हजारों करोड़ हिंदुस्तान में हमारे जो आदमी है उन्हें इत्तला कर दो और तुम भी हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। वहाँ ACP आदेश तुम्हारी मदद करेगा। पहला टारगेट होगा हैदराबाद। अपनी अपनी जगह ले लो। अरे घंटी बज गई, उठो, चलो जल्दी उठो। क्या कर रही हो, जल्दी करो, तुम भी उठो। जिम का वक्त हो गया है, उठ जाइए। इटली में नहीं हो तुम, देर हुई तो सजा मिलेगी, जल्दी करो। अरे ये घर है या ट्रेनिंग सेंटर? बगैर लाइसेंस के एकेडमी खोल दी है। इसी टॉर्चर से बचने के लिए तो मैं इटली गया था। चलो जल्दी करो भैया, जिम में आते ही होंगे। मुजरिमों को भी आराम दिया जाता है, यहाँ तो एक दिन का भी आराम नहीं है। सुप्रिया जल्दी करो, वरना ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पंडित ने कहा था शादी होने पे दुनिया का सफर करूंगी, पर यहाँ तो सफर कर रही हूँ। अरे उठ भी जाइए, अगर हम वक्त पर नहीं पहुँचे तो हमारी खैर नहीं। पहाड़ में जाओ तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा हाजिर सर। पंडित राम कृष्ण शर्मा हाजिर। पंडित राधा कृष्ण शर्मा हाजिर। मोहतरमा निर्मला शर्मा हाजिर। मोहतरमा गायत्री शर्मा हाजिर। मोहतरमा सुप्रिया शर्मा हाजिर। सर मैं आ रहा हूँ। ओके सर। अटेंशन प्लीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA MPhil PhD पधार रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, रात को देरी से पहुंचे इसीलिए आपको जगाया नहीं। कसरत के मामले में मैं जरा समझौता नहीं करता। ये पेट क्यों निकला? शूटिंग नहीं हुई ना इस बात के? पापा मुजरिम को पकड़ने के लिए शूट करते हैं ना, वही कह रहे थे, है ना अंकल? सही कहा। हाँ। पुलिस में पंडितों का दबदबा ऐसा है कि इटली में कोई जुर्म नहीं करता। शाबाश गोपी शर्मा, तुमने साबित कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे होते हैं। मुझे तुम पर फक्र है। अच्छा, इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? दबा के करती है भैया। क्या
मेरी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी। मैं उसका जिक्र सबसे करने वाला था भैया, पर क्या है अभी तक प्रेम नहीं आया ना। क्या नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह। सैड मॉर्निंग बड़े भैया। ये जिम आने का वक्त नहीं है, कहाँ थे तुम? घर में सूरज की किरण नहीं मिलती ना, इसलिए सूरज के पास गया था किरण लेने। नाश्ता भी नहीं किया होगा? झूठ नहीं बोलूंगा, वड़ा पाव भी खा के आया। और पता है आपको, जैसे ही चटनी में जलेबी डुबाई वहाँ पे अमित जी मिले, जैसे ही फाफड़ा हाथ में पकड़ा अभिषेक जी, और नींबू पानी पीने पे आराध्या। क्या बात है, तुम्हारी मुलाकात तो तीनों पीढ़ियों से हो गई है, अब आगे मत फेंकना। लंबी लंबी फेंको मत, बच्चन साहब अपनी मूवी के प्रीमियर के लिए दुबई गए हैं। अभिषेक बच्चन अपनी वेब सीरीज के लिए दुबई गए हैं और आराध्या अपनी मॉम के साथ डिज्नीलैंड गई है। मतलब सब जया मैम को अकेला छोड़ कर गए? ओमिक्रॉन घर में घुस गया तो? तुम उनके घर की फिक्र मत करो, ये बताओ तुम्हारा वजन क्या है? 62। ये तो होना चाहिए पापा, अभी आपका कितना है वो बताइए। एक कम। कोलेस्ट्रॉल कितना है? थोड़ा भी बड़ा तो अटैक आ जाएगा। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुकाकर बताओ कि तुम्हारी पैंट की जिप कितनी खुली है। मिशन इम्पॉसिबल है, नहीं देख सकता। कितने वक्त से? ज्यादा नहीं, 240 महीनों से। चुप करो, हमारे होने वाले दामाद को सिर्फ तुमसे ही परेशानी है, उसकी पूरी टीम में सिर्फ तुम ही नाकारा हो। शर्म करो, हर कोई तुमसे परेशान है। कैसे इंसान हो तुम, जज्बात नहीं है तुम्हें? जज्बात है, जगते नहीं। जज्बात जगे खाना खाना है। खाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? पुलिस ऑफिसर का सीना चौड़ा होता है एक तोप की तरह, और तुम भरी हुई बोरी हो ट्रक की तरह। मैं ट्रक नहीं, इंसान हूँ। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नाकारा इंसान, बेशर्म इंसान, बेहुदा इंसान, जाहिल इंसान, किसी काम का नहीं। मैया। भैया मत कहो मुझे भैया, ऐसे निकम्मे आदमी से तुमने प्यार कैसे किया? ये तुम्हारा पति जो वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया। सब गालियां दे रहे हैं मुझे, पुलिस बनने के लायक नहीं है ये। 5 मीटर भागने के बाद इसकी हवा निकल जाती है। मेरी सिफारिश से इसे नौकरी मिली है। जरा थोपड़ा देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे दिमाग ही नहीं है, पूरी बॉडी में मनुष्यत भरी है। भुखमरा, नाकारा, आटे की बोरी, चटोरा, कहीं का नालायक, मनहूस, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले जाओ इसे यहाँ से। लगता है ये गालियों की गोली खा के आया है। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उतना ही पसीना बहाओ। बंटी साथ में रहेगा, जाओ बाहर बिना रुके 40 चक्कर लगाओ। सुनो, तुम नजर रखना। ओके सर। 40 बिना रुके 40 चक्कर? इतने चक्कर में तुम्हारा से टक्कर हो जाएगी। पता नहीं वो कौन सी मनोज घड़ी थी जिसमें तुझसे शादी करके अपनी बर्बादी करवा ली। सही कह रहे हो, अगर इस घर के दामाद ना होते तो भीख मांग रहे होते। इस तरह बागी बनने से तो अच्छा है कि घर के कानून को अपना लो। तुम क्या मुगल खानदान के हो जो कानून झाड़ रहे हो? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब तुम लोग मिसेस शर्मा की तरह शर्माते रहते हो, उनके सामने तो सांप सूंघ जाता है। ये मेरा वजन क्यों पूछ रहा था? अपने सर पे बिठा के मुझे चिड़ियाघर दिखाएगा? चखने की तरह चट कर जाऊंगा। जी, मेरे भाई को बुरा मत बोलो। ओह, आग लग गई। जब उसने मुझे कहा था तो मैंने रुकाया तो था। ओहो, रोका दी एंड होने पे रोका। और ये जूनियर आटे की बोरी अपनी बाप की तोहिन देखकर मजे ले रहा था, वो तो सांड की तरह दहाड़ कर चला गया। एक बार तुझे मैंने चुड़ैल का कह दिया, तूने मुझे गधे का खिताब दे दिया है क्या? ये प्रेम प्रताप सिंह, महफिल सजा कर बैठे हो। वो क्या है ना भैया, मुझे 1 से 40 की गिनती नहीं आती, इनसे सीख रहा था। ये तुमसे नहीं हो पाएगा, पहले नर्सरी में एडमिशन ले लो। ये क्या बकवास है? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब ऐसा बेहुदा काट जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कितनी गलतियां करोगे। बस 2 फीट पेट अंदर हो जाए, ये माजरा क्या है? शादी के कार्ड को लेकर क्यों दुरुस्त नहीं बने? कार्ड तो अच्छा है, मामा पूछ रहे थे कार्ड किसने बनवाया। मुझे होशियार का नाम नहीं बताया, ऐसे में नहीं बताता। इस कार्ड प्रिंटिंग की कारिस्तानी मेरी है। अच्छा, तो ये करतूत तुम्हारी है? बिल्कुल मेरी है। इस कार्ड के अच्छे चुनाव और बुरे चुनाव का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें? डेजिग्नेशन भी नदारद है इसमें। वो सब भूल जाइए बड़े भैया, वो क्या है ना, आपके और मेरे सर पे जितने बाल नहीं है उतनी आपकी डिग्री है। एमएचडी, पीएचडी, पीबीएचडी, एमएचडी, नहीं किसी निकाल देगा। और सुनहरे हाथों से काले अक्षरों में लिख दिया JKS। आजकल किताब नहीं पढ़ते, आपका नाम खाक पड़ेंगे। होते कौन हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना खाए पिए अपना पेट काट कर साइकिल पर दही बेच बेच कर पढ़ाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के जरिए जिंदगी बसर करने वाले, सिर्फ अपना मतलब साफ करने वाले निकम्मे बेहुदा और जलील इंसान हो तुम। भैया, भैया क्या है? भैया भैया, सिर्फ तुम्हारा मुंह देख के इस कामचोर आदमी को इस घर में पना दिया मैंने। और तो और, इसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती, उसे मैंने पुलिस में भर्ती कराया। ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता जिसको आज पुलिस की नौकरी मिल चुकी है। सिर्फ अपना पेट पालने वाला एक आलसी इंसान है ये, इसे तो संन्यास ले लेना चाहिए। चलो सब लोग। देखा तुमने, कार्ड में से इनकी डिग्री क्या हटा दी, इन्होंने तो घर में जंग का माहौल बना दिया। क्या वो ऐसे सनकी आदमी को मना पाएगा? उस पर यकीन है तुम्हें? वो बिल्कुल मना लेगा, मुझे रामराज पर पूरा भरोसा है। मैं हूँ गौतम, मैं पिनाकी गोल्ड कंपनी का नया मार्केटिंग हेड हूँ। हमारी कंपनी जहाँ 3 साल से एनुअल डे का जश्न मना रही थी, इस बार वहाँ जश्न नहीं मनाएंगे। बदलाव के लिए
इस बार आप हमारे एम्प्लॉयज के लिए शांति वेला बुक कर दीजिए। अरे बदलाव के लिए तो मैंने बदल दिया। तुम मेरे बदलाव को कैसे बदल सकते हो? ये मेरे एम्प्लॉयज की मांग है, मुझे शांति वेला ही चाहिए। अरे वही तो बोल रहे, हमने वही रिसोर्ट बुक किया है बाबा। तो उसे कैंसिल कर दो, क्यों खाचा नहीं मार पाओगे? अरे क्या बकवास कर रहे हो, वही तो मैंने किया है, तुम गला क्यों फाड़ रहे हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात, अगर पहले बता दिया होता तो मेरे दिमाग का दही नहीं होता ना। बॉस इसके कानपुर में हड़ताल है, ऐसा ही लगता है। अपनी खुसर फुसर बंद करो और चार्ज बताओ। पिछले साल 4 लाख में हुआ था, इस साल दीदी ने 5 लाख का अमाउंट तय किया है। क्या 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इतना ही दूंगा। बॉस इसके बहरे होने का हम लोग फायदा उठा लेते हैं। आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो मुझे भी बताओ ना। हाँ ठीक है ठीक है, 8 लाख लाओ। क्या कर रहे हो? नमस्ते मैडम, मेरी फीस है 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। आपने जिस तरह की ईमानदारी दिखाई है उसे देखकर तो मेरा मन भर आया, शाम में पैसे भिजवाता हूँ, चलता हूँ मैडम। नमस्ते। तुम नहीं बदलोगी, लोग अपने कस्टमर को लूटने की कोशिश करते हैं और तुम नुकसान में सौदा करती हो। हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। एकदम सही काम। अरे बिना बताए तो अचानक कैसे चला है? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब ठीक तो? बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कौन है? मेरा दोस्त है माँ, हमारे साथ ही रहेगा। जल्दी से नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। किस चीज का नया बिजनेस? वेडिंग प्लानिंग। मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं। अरे माँ इवेंट मैनेजमेंट में क्या करती है? आसान तो है, माहौल के हिसाब से सजावट, पसंद के हिसाब से खाना और मनोरंजन के लिए नाच गाना। अगर ये सब एक जगह मिला के इवेंट करें वो है वेडिंग। आंटी ये बिजनेस भी बहुत ही कमाल का है। ऐसी बात है, पर कौन हम पर भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट देगा? कॉन्ट्रैक्ट कमिश्नर देगा। कमिश्नर साहब आप हर फंक्शन के लिए हमारी दुकान से ही जेवर खरीदते हैं, इसीलिए यकीन से कह रहा हूँ ये वेडिंग प्लानर शादी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है सेठ जी, अगर आप सिफारिश कर रहे हैं तो मैं इसे देख लेता हूँ। बुलाइए उसे। लीजिए वो आगे। राम राम सेठ जी। बैठिए बैठिए। किससे मिलना? मुझसे मिलने बुलाया है। मेरा नाम सुरेंद्र है, कमिश्नर साहब का पीए हूँ मैं। अच्छा। कमिश्नर साहब अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। बजट का कोई इशू नहीं है, कमिश्नर थोड़ा गुस्से वाला है और उसके परिवार में सब नमूने हैं। उसे तुम लूटोगे और मैं साथ दूंगा। और वो कैसे? शादी का हॉल 10 लाख में आएगा, तुम 20 बताओगे, जो मुनाफा होगा उसमें आधा तुम्हारा आधा मेरा। खाने की प्लेट 2000 की है, 4 बताओगे तो एक तुम्हारा और एक मेरा। सजावट का बजट 5 लाख का है, लेकिन तुम 10 बताओगे, तुम आधा खाओगे और मैं आधा। शादी में एक आइटम सॉन्ग भी रखा गया है, खर्चा 10 का होगा, हम 25 बताएंगे, उसमें भी तुम्हारा आधा मेरा आधा। क्या ख्याल है? पुलिस के डंडे से मारूंगा। खड़े हो। कमिश्नर से भी खांचा मारेगा, कितना खतरनाक मुजरिम है रे तू। येड़े शादी का मतलब भी तू जानता है? शादी कोई इवेंट नहीं है, दो परिवारों का मिलन है, मंडप को मंदिर की तरह सजाया जाता है, जानता भी है? शादी का खाना इतना लजीज क्यों होता है पता है तुझे? ताकि लोग खाना दिल से खाएं और दूल्हा दुल्हन को दुआ दें। कितना गलीज है तू, इसमें भी खांचा मार रहा है। तेरी इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ और तू मुस्कुरा रहा है? और क्या बे, संगीत में आइटम सॉन्ग करवाएगा? अबे शादी कर रहा है या ब्लॉकबस्टर पिक्चर बना रहा है? ओ सेठ जी कमिश्नर को फोन लगाइए, इसकी शिकायत करूंगा मैं। इसकी जरूरत नहीं, यही है कमिश्नर। आप कमिश्नर हैं? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं की तुमने, तुम अच्छे इंसान हो, मिलकर अच्छा लगा। हीरालाल जी आपने सही बंदे से मिलाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारा काम इसे ही दे दो। शुक्रिया सर। और सुनो मैं कमिश्नर हूँ इसलिए बेवजह डरने की जरूरत नहीं, जो कहना साफ कहना मुझे। बिल्कुल सर, बाकी का काम सेठ जी तुम्हें बता देंगे। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ जी। आते रहिएगा। धन्यवाद सेठ जी। देखो राम, तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे ताल्लुकात है इसलिए जोखिम उठाया, शादी में कोई गड़बड़ ना हो। ये शादी नहीं होगी। हाँ? मतलब कोई छोटी मोटी शादी नहीं होगी, आलीशान शादी होगी। आइए आइए। मुबारक हो समधी जी, आपने शादी धमाकेदार। ये धमाका किसने किया? सारी करामात इस लड़के की है। रामराज वेडिंग प्लान। नमस्ते चाचा। शादी तो 10 दिन बाद है, अभी से धूमधाम चालू है। अरे कमिश्नर के घर की शादी है, शानदार होनी चाहिए। ये तो एक छोटा सा नमूना था, ग्रैंड शो भी बाकी है। अरे यही दूल्हे राजा है क्या? जबरदस्त है दोस्त। ओह अंदर बिस्किट छुपा के रखा है, पता नहीं खाली टोस्ट सब कुछ होगा। अरे गरम क्यों हो रहा है दोस्त? मजाक कर रहा था, शादी में मजाक चलता है क्यों चाचा? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी की बात अंदर करते हैं। इस सडन मीटिंग की वजह ये है कि मेरे गुरु श्री संपूर्ण आनंद स्वामी जी को दूल्हे राजा की कुंडली में बड़ा डिफेक्ट मिला है। शरीर के डिफेक्ट के लिए तो दवाइयां हैं, कुंडली के डिफेक्ट के लिए क्या करूं? सॉल्यूशन है पानी। खारे कुएं का या मीठे कुएं का?
मूर्ख आदमी खारे या मीठे कुएं का नहीं, ऊपर वाले ने धरती पर कई पाक रिवर्स भेजी हैं, जिसका पानी इस कलश में मौजूद है। ब्राइड उत्तर में खड़ी होगी और ग्रूम दक्षिण में खड़ा होगा, और हम सब पूरब में खड़े होकर ढोल बजाएंगे, है ना? डोंट इंटरप्ट। तुलसी की पत्ती इस पाक वाटर में डालकर अभिषेक करेंगे। अब ये तुलसी की पत्ती कहाँ ढूंढने जाऊँ मैं? अरे कौन सा जमीन खोद कर सोना निकालना है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे देके जाएगा, क्यों पंडित जी? अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, ब्राइड को जल्दी बुलाइए। बेटा जानके। शुक्लाम परम धरम विष्णुम शशिवरणम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायते। कलश ग्रूम के हाथ पे दीजिए। याद रखना, घर पहुंचते से पहले ये कलश ना ही छलके और ना ही गिरे। और गिर गया तो इनका डेथ सर्टिफिकेट छप जाएगा। ओए ढोंगी पंडित, ये कोई बच्चा थोड़ी है लॉलीपॉप चूसता हुआ जो गिरा देगा। जब गुरुजी ने मुहूर्त निकाला है तो उठा उठा के। अब इस लोटी में भिगो भिगो की गाली मत देना प्लीज। अरे इसमें गलती क्या है, चाचा को देखो ना, गुस्से से लाल हो रहे हैं। अगर आप खो बैठे तो दी एंड। पंडित जी की बात को इन्होंने सीरियसली ले लिया। सच कह रहे हैं भैया, मैंने जानबूझ के आपका हाथ नहीं है। कब सासुर का पैसा, मेरी पगार में से काट लेना। मैं क्लाइंट समझकर आपके साथ यहाँ बिजनेस करने नहीं आई हूँ। ये मेरे अपने घर की शादी की तरह है। सारी जिम्मेदारियाँ आप मेरे बेटे पर छोड़ दें और आप शादी का लुत्फ उठाएं। थैंक यू वेरी मच। आपके सारे स्टाफ के रहने के लिए यहाँ नजदीक में ही घर का इंतजाम कर दिया है। और ये मेरी बेटी जानकी है, इसी की शादी है। ये राम की माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, हमेशा मुस्कुराती रहो। अरे राम, तू कब ऐसी परी जैसी बहू घर लाएगा? माँ अगर आपको ये पसंद है तो इसी को दुल्हन बना लेते। मैं मजाक कर रहा हूँ बाबा, शादी में हंसी मजाक चलता है। तुम्हारा प्लान देखकर तो लग रहा है कि काम बन जाएगा, पर शुरुआत करने के लिए बॉल तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे ही मैदान में उतरेंगे बॉल मेरे हाथ में आ जाएगी। अरे वो काम ठीक से। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अरे क्या कर रहा राम, दुल्हन के साथ ही? अरे मामा बावले मत बनो, हम यहाँ शादी कराने नहीं आए, तोड़ने आए हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? अरे समझिए ना, जानकी को बहू बनाकर घर ले जाना है तो ये करना पड़ेगा। किसे कहाँ ले जाएंगे? इसके कहने का मतलब है कि दुल्हन को किस तरह से सजा के मंडप में ले जाएंगे। जामा बंद कर, कितनी ओवर एक्टिंग करता तू। ये क्या रामराज, हिंदुस्तान आते ही हमारे घर घुसा है और जो सर्किट है उन्हें भी टोपी पहनाकर शादी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। तुम्हारा राज इन्हें भी पता है? हाँ बेशक, ये हमारी पार्टी में। कैसी पार्टी? संगीत पार्टी। संगीत पार्टी का प्लान बना रहे हैं, तुम भी अपनी सलाह दे सकती। इसके लिए इतना प्लान क्यों बनाना है? इस प्लान के बारे में तो हर किसी को पता है। इसे भी पता है? और नहीं तो क्या, ये भी हमारी पार्टी में। वेलकम। तुम सब यहाँ इकट्ठा क्यों हो? आइए आइए, आपको तो सब पता ही होगा, उसी पर हम मशवरा कर रहे थे। अरे बता ना, इनकी बेटी को हम किस तरह ले जाएंगे? मेरी बेटी को कहाँ लेके जाने की बात हो रही है? अरे फिक्र मत कीजिए आंटी, हम दुल्हन को मंडप तक सजा के कैसे ले जाएंगे उसके बात कर रहे थे। ये नहीं आंटी, क्या क्या जानना है? हम शादी में इसे कैसे लेकर जाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। हमने इसी काम की तो पैसे लिए हैं और आप इन्हीं से पूछ रहे हैं? आपके ऊपर तो कितनी जिम्मेदारियाँ होंगी ना। वो तो है बेटा। जानकी बनारस से साड़ी आई है, चलो नीचे चलो। जानकी मैं अभी आया। मामा जी हब करते हो यार, अभी भांडा फोड़ी दिया था आपने। बातें मत बनाओ, नेताओं की तरह समझ में नहीं आता कि कौन किसकी पार्टी में है। लिस्ट दे, रट्टा मारता हूँ। हाँ तो राम भाई, अपना अगला कदम। अगला कदम बढ़ाने से पहले हमें एक बकरा चाहिए होगा। बकरा चाहिए? जी सर, प्लान के मुताबिक इस घर में दाखिल हो गया हूँ। शादी को तोड़ने के लिए और आदेश को पकड़ने के लिए बकरे की जरूरत है। समझ गया, लेकिन कौन होगा ये बकरा? तुम आदमी हो या बकरा? तुम्हें करीम को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, तुम उसके बच्चे को उठा कर ले आए। वो तो अंडर जमीन हो गया है, उसे जमीन से बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। लेकिन किस जुर्म में? दूसरी के बच्चे पर हम क्या खून का इल्जाम लगाएंगे? बहुत ही घटिया हो तुम। भैया भैया बंद करो। भैया भैया बाल्टी भर के तो ये खाना खाता है लेकिन अकल चुल्लू भर भी नहीं है। एक काम करो, थोड़ा वक्त निकालो और जाके मर जाओ। छी, कैसी घटिया चॉइस है तुम्हारी, देखो इस गिरे हुए के प्यार में कैसे गिर गई तुम। भिगो भिगो के गालियां देता है, अब मेरी जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं। राम कहीं ये खुदकुशी ना कर ले। मैं चला। अबे बेगरत आदमी, इंसानियत बची इसलिए पानी मिला के पी रहा हूँ, लेकिन तू राक्षस है इसलिए मेरा खून पीता है। डेली भिगो भिगो के गालियाँ देता है, वो भी स्टीरियो में। ए, कसम दारू की मेरा भी एक दिन आएगा, इच्छाधारी नाग बन के इतनी जगह डसूंगा कि तू सोचता रहेगा कि पानी कहाँ से पीऊँ और निकालूँ कहाँ से। मामा जी, इस बकरे के ख्वाब को हम अंजाम देंगे, फॉलो मी। कौन है भाई? है? है?
अरे निकम्मो, मैंने कहा था ना इसे यहाँ मत लेकर आना, फिर क्यों लाए? मैंने सोचा कि... अरे क्या सोचा तुमने? किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। ये सब क्या झोलझाल हो रहा है? ये डिस्को लाइट क्यों लगा रखी है और ये कुर्सी को हाईलाइट क्यों किया है? मेहरबानी करके शोर मत कीजिए, ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन है। टाइम और ड्रीम मशीन सुना है? आखिर ये ड्रीम मशीन क्या है? अरे ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, ये वही मशीन है। वो क्या है ना चाचा, हर हीरो की जिंदगी में एक विलन होता है जो हमें बहुत टॉर्चर करता है और हम उसे बर्दाश्त करते हैं और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और जो टेंशन में बदल जाता है, फिर इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। और क्लाइमेक्स में उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के नाले में बहा दो। क्यों भाई? इसी वजह से जब मौतें ज्यादा होने लगी तो अमेरिका वालों ने इस मशीन को इजाद किया। अरे इसका ऐड करने के लिए उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, हिंदी में क्या नाम था? इंद्रजाल था। करेक्ट, हूबहू उसकी नकल चाइना ने की और ये मशीन बनाई। चाइना में मेरे बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने तोहफे में मुझे ये मशीन दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में हुकुम चलाते हैं, ख्वाबों में उनकी बैंड बजाकर हमें शांति मिलती है। इससे बॉडी एक्टिव होती है और लाइफ अमेजिंग। समझ गया ना? काफी सदी समझ गया। डोंट माइंड इफ यू, मैं इसमें बैठ के सपनों की दुनिया में जाना चाहता हूँ। आप क्यों जाना चाहते हैं? इस दुख भरी आत्मा की दुख भरी कहानी है। साले साहब मुझे गालियों के तीर से मेरे दिल पे वार करते हैं। अरे दिल पे वार खतरनाक वार है, इसलिए इस ड्रीम मशीन की क्रीम मुझे भी चटा दो प्लीज। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो क्या हैं? जब आप ख्वाब में जाते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। अच्छा? उनसे जिक्र मत करना कि आप ख्वाब में हैं। और किया तो सपने में ही लुढ़क जाएंगे। इसीलिए अगर ख्वाब की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को ही बताइए। और एक खास बात, वो क्या, ख्वाब में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी में बिताए 10 दिन के बराबर है। और रिटर्न टिकट कैसे मिलेगी? आग बंद करके सिर्फ गाना गाओ। ले ले ले, मुझे कबूल है, कबूल है, मेरी भी ख्वाबों के शहर में एंट्री करवा दो। ओके चाचू, ख्वाब में भरपूर गालियां देना। ऑल द बेस्ट, यात्रा सफल हो। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स रिलैक्स। जी सुनो, जिम का भोपू बजा। हे भगवान, इतनी गालियां खाते हैं फिर भी कम पड़ती है इन्हें, पता नहीं इन्हें कब अकल आएगी। ये कसरत करने जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर राम राज के मुताबिक ये तो ख्वाब है। ख्वाब मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे तुम तो राम हो और एक्टिंग कर रहे हो हितेंद्र जैसी। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा, मैं तो उनसे भी फाड़ू परफॉर्मेंस कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखोगे तो समझोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जंगल क्या है? सुनहरा ख्वाब, आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं, ये आपका मल्टी कलर ख्वाब है और हम आपसे मिलने आए हैं। अगर ये ख्वाब है तो मुझे साले साहब की गुर्राहट क्यों सुनाई दे रही है? बेवकूफ हो तुम, इस ख्वाब में क्यों आए हो? ताकि असल जिंदगी में लोगों से इंतकाम ले सके। और इसका खलनायक मालूम है? इसका साला जयकृष्ण। वो तुम्हें ललकार रहा है, क्या करोगे बताओ? मैं समझ गया, अब मैं इंतकाम लूंगा, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी मंजिल है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो किसके लिए रुके हो? जाओ, शुरू हो जाओ। ऑल द बेस्ट भवा। चिल्लाना बंद कर। ए पीपी के बच्चे, तुम्हें दौड़ते हुए आना चाहिए और शहंशाह की तरह आ रहे हो। घड़ी देखो, अपनी जबान को लगाम दे और घड़ी फेंक। मैं तेरा गुलाम नहीं। प्रेम प्रताप सिंह, कृष्ण शर्मा। ए, 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 आगे बोल। ये क्या तरीका है, तुम अपना आपा खो रहे हो? खामोश, आपा तापा मत देख। अगर मैंने अपना आपा खो दिया तो तेरे गाल पे मैं एक छापा दे दूंगा, समझ गया? इस घर में तूने मुझे दाने दाने के लिए तरसाया है, यहाँ तक कि मेरी नींद का चैन हराम हो गया है। मुझ में शोलों ने जन्म ले लिया है और वह कगोला बन के जला के भस्म कर दूंगा और उससे सूरमा बना के आँखों में लगाऊंगा और एक बार नाक खोल
के सुन ले, तू अकेले आ या पूरी फौज लेकर आ, ये प्रेम प्रताप अकेले सबको बसल देगा। आई एम सन ऑफ ओनली फादर। किसे कही है क्या, पागल हो गए हो? मेरी बहन को मारा, तेरे को भी मारूंगा। लिहाज रखिए, हड्डियों से दांत साफ करूंगा, देख लेना। चुप भैया, चलिए। ख्वाब में कोई लड़ता है क्या चाचा? अरे मैं ख्वाब में यही तो करने आया था रामराज। अरे आप तो सीधे क्लाइमेक्स पर ही आ गए, शो का मजा लूटिए, जाइए पीजिए। उसूलों का पक्का दिन में नहीं पीता। अरे ख्वाब में दिन रात नहीं होता। ऐसा है, ये आखिरी वार्निंग है। उसकी हिम्मत देखी, वाहियात हरकत की है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, उसने ऐसी वाहियात हरकत की और तुम कहते हो घबराओ नहीं। ऐसे कई पेशेंट्स को फेस कर चुका हूँ, उनकी फीलिंग्स को जानता हूँ मैं। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर के लिए इन्हें मेरे पास छोड़ देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, मैं ठीक कर दूंगा। अगर ना छोड़े तो फिर कुछ नहीं कह सकते, बौखला के आपका गला काट सकते हैं। ऐसी घटिया बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर, अगर किसी को हमेशा डांटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी सप्रेशन में रहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी लूज मोशन लगे रहते हैं। मेरा भी इंटेंशन टेंशन में ही रहता है। हाँ डैडी, अब सुबह सुबह ही हमें बॉल की तरफ पटकने। बस करो अपना ये गेम का खेल, मैं समझ गया हूँ कि मेरी सख्ती को जुल्म समझकर तुम सब मुझसे डरने लग गए हो। चलो ठीक है, आज से जानकी की शादी तक तुम सब अपनी जिंदगी मन मुताबिक जी सकते हो। हाँ, उसके बाद भी मैं तुम सबसे नरमी से पेश आने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ दिन ऐसा ही चल रहा होता तो सब मेरा गला काट देते। सुनो रामराज, हाँ शादी होने तक तुम प्रेम प्रताप सिंह को संभाल लो। अरे आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सब संभालूंगा। शुक्रिया बेटा। अरे वाह 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 वाह, आपने तो क्या परफॉर्मेंस दी। मैं तो कहता हूँ आपके साले की पैंट गिली हो गई होगी। क्यों रे? ये बताओ राम, ख्वाब खत्म होने के बाद बात भी खत्म हो जाएगी ना, नहीं तो सर कलम कर देगा। क्या बकवास कर रहे हैं चाचा, आप होश में हैं कि नहीं? आपका ख्वाब उन्हें कैसे याद रहेगा? नया है इसलिए अनाड़ी है। करेक्ट राम, मेरी जाती जिंदगी तो तुम्हारी वजह से सही हो गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसके बारे में पूछ ही लिया तो बता देता हूँ, यहाँ बड़े भैया गुर्राते तो वहाँ आदेश काटने को दौड़ता है। अरे अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल खाने पर बुलाया। राम ये फैसला वो कैसे कर सकता है, ये ख्वाब मेरा है। लेकिन इसका फैसला लेने वाले वो थोड़ी ना है। फिर कौन है? सोया हुआ प्रेम प्रताप सिंह, उसकी सोच से ये सारे किरदार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। अब समझा मैं, जैसे मैंने साले साहब का ढोल बजाया था वैसे ही आदेश का बैंजो बजाऊंगा। ये हालात इसीलिए बनाए गए हैं। हाँ। निशाने पे तीर मारा है चाचा। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर वन हो जाएंगे। आप अपने ख्वाब के बादशाह बन जाएंगे, यही उस प्रेम प्रताप की तमन्ना। आई एम बादशाह जो हर जंग में फतेह हासिल करता है। समधी जी, इस खाने के बारे में क्या कहूँ, ये तो लाजवाब है। ये भी मेरी तरह हो जाएगा। हम वो शख्स हैं जो शराब के समंदर में गोते लगाते हैं, देख रहा क्या है बे, घूरना बंद कर। अरे प्रेम प्रताप। क्या 24 घंटे प्रेम प्रताप, क्या चाहिए तुझे, जल्दी बात। क्या बात है समधी जी, इन्होंने तो सुबह सुबह। ऐसी बात नहीं है, जानकी की शादी होने तक मस्ती करने की इजाजत मैंने ही दी है। पता कौन है मैं इजाजत देने वाला, गधे उल्लू गेंडे, मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीता हूँ इसलिए पीता हूँ, समझ गया? फर्स्ट टाइम पिया ना इसलिए थोड़ी चढ़ गई। क्या फर्स्ट टाइम, मैं कोई अनाड़ी खिलाड़ी नहीं हूँ, पक्का बेवड़ा हूँ, बेस्ट बेवड़े का अवार्ड भी मिला है। अबे चीचा क्या घूर रहे हो, तू पिएगा मेरे से कंपटीशन करेगा, इस प्रकाश के दिया बुझ रहे हैं। रामराज, अबे बुला किसको बुलाता है तू? हाँ मुझे लगता है कि तुम ही इसे काबू कर सकते हो, जरा संभाल लो। जी सर, मैं संभालता हूँ। चाचा जी, अब भगाइए, उनकी बेइज्जती हो रही है। तू उसकी तरफ है या मेरी? मेरी खातिर पकड़ेगा मेरा हमराही, मुझे सही राह पे लेके जा रहा है। इसके लिए माफी चाहता हूँ आदेश, साधु भाई के लोग शहर में आ चुके हैं, वो या कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, ऐसी खबर आई है। अगर ऐसा है तो बादशाह अब हमसे भाग नहीं पाएगा। बादशाह तुम्हारे सामने मौजूद है। What? Yes, बादशाह तुम्हारी नजरों के सामने है, ये है बादशाह। Yes, बादशाह द रूलर, झंडे हम ही गाड़ते हैं, दुश्मनों को हम सर से पांव तक फाड़ते हैं। छोड़ो आदेश, तुम इस पर ध्यान मत दो, बस ये पता लगाओ कि साधु के लोग कहाँ हैं। बिल्कुल सर, आज से मेरी टीम को इसी काम पर लगा दूंगा। ये मजदूर यूनियन का लीडर है क्या? आदेश, साधु भाई के लोग शहर में दाखिल होने ही वाले हैं और पुलिस को भी इसकी खबर है, तुम उन्हें आगाह कर दो। मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है, साधु भाई का राइट हैंड रॉबर्ट और रॉकी रसूल शहर में दाखिल हो चुके हैं। बढ़िया, आप परेशान क्यों हैं डैड? इस जगह को देखकर
तुम्हारी माँ की याद आती है। छोटी सी चौल में हम तीनों रहते थे बेटा। मेरे लिए मेरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ था, और वो पैसा नहीं सिर्फ मेरा साथ चाहती थी। उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई, एक गलती की वजह से मैंने उसे खो दिया। आपको मैंने माँ के बारे में नहीं बताया, I'm sorry daddy। मंजिल तक पहुँचते ही मैं आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा कर रहूंगा। मीडिया को बुलवाओ, पर क्यों? अरे क्या क्यों क्यों लगा रखा है, अपनी काबिलियत नहीं दिखाएंगे तब जाकर सोते हुए प्रेम प्रताप को राहत मिलेगी, है कि नहीं? और क्या चीज़ा? हुक्म की तामीर हो। माइक सैनिटाइज है, सब वैक्सीनेटेड होना, कर दूंगा मुजरिमों का सफाया। बादशाह सामने है आया, एक ही दिन में साधु भाई के सारे टीम मेंबर को पकड़ के दिखाऊंगा, नहीं तो ये वर्दी त्याग के अपने गांव वापस चला जाऊंगा। बंदूक से निकलती है गोली, थोप से निकलता है गोला, अब होगा वही जो ये प्रेम प्रताप बोला आता माजी सटाक ले। आदेश सर, मैं अपनी बहन की वजह से इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसने हदें पार कर दी है, मैं उसे सस्पेंड करने वाला हूँ, जल्दी प्रेस वालों को बुलाओ। पुलिस को इस बात की खबर मिल चुकी है, और देर नहीं करेंगे, माल आज रात को ही भेजना होगा। इस काम में अगर जरा सी भी गलती हुई तो साधु भाई किसी को भी नहीं बख्शेंगे। देखो भाई लोग, हैदराबाद तो है ही, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता, सारी जगह एक ही वक्त पे ये ब्लास्ट होना चाहिए। कल दुनिया भर के सारे न्यूज चैनल्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। कौन है बे तू? अपने मुंह से हमें अपनी तारीफ करना पसंद है, हम वो बला है जिससे शेर ताकत ले जाता है और लोमड़ी चालाकी, और मुजरिम का हो जाता है पैकअप जब देखता है इस प्रेम प्रताप का ड्रेसअप। तेरा भी यही हशर होगा चपड़गंजो। जानी अब और तारीफ सुनो, हमारी वर्दी के तंबों की चमक से मुजरिम की आंखों की चमक चली जाती है। हमारे बड़े अब्बा ने शेर के दांत का ऑपरेशन अपने नंगे हाथों से किया था, वही दांत मुझमें फिट है, और उनके बड़े अब्बा ने डायनासोर की सेमड़ वाली नाक अपने मोजे से पोछी थी और डायनासोर बेहोश हो गया। इस मिली जुली सरकार का आखिरी चिराग मैं हूँ, प्रेम प्रताप सिंह। गालियां तालियां। बाप मरे अंधेरे में और बेटा पावर हाउस, हाइट कमर फाइट ज्यादा, हमारा क्या कर लेगा मैं? अबे, कालीचरण ये मास्क क्यों पहना है, कोई टास्क है क्या? नहीं चाचा, आपको मशहूर करने के लिए पहना है, मैं इनका एनकाउंटर करता हूँ, आप जाके मीडिया में स्पीच देने की तैयारी कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो कई बेकसूर खामखा मारे जाएंगे, तुम्हें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। तोड़ दो इसको। सारा आरडीएक्स मेरे कब्जे में आ गया है, उनके प्लान पर पानी फेर दिया है, अब किसी भी हाल में साधु को मुंबई आना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, अब हम मंजिल के बहुत ही करीब है। गुड लक। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर प्रेम प्रताप सिंह की ज्यादा शराब पीने की वजह से दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्होंने मीडिया से वादा किया था कि वो साधु के आदमियों को पकड़ेंगे और तब वो नशे में थे, और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, और इसीलिए इसी वक्त से उन्हें सस्पेंड किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये सामने पड़ी लाश है रॉकी रसूल की, साधु भाई का खास आदमी, तेरा नाम आदेश है, इसने तूने आदेश का वेट किया और मैंने इनका नाम लेट में दर्ज किया। मैं वो शख्स हूँ जिसकी सांसें शेर की दहाड़ से भी खतरनाक होती हैं, और तू वो बिल्ला है जो सबसे ढिल्ला है। ये प्रेम प्रताप का साधु भाई को चैलेंज है कि तुम्हें मैं ढूंढ निकालूंगा और खुली सड़क पे तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा।
बंदूक में से निकलती है गोली और धूप में से निकलता है गोला। अब वही होगा जो ये प्रेम प्रताप बोला। वाह 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 वाह, धज्जियां उड़ा दी सर। आपका ये अंदाज देखकर तो आपके साले और आदेश का पैकअप हो गया। एक काम करो राम, हमारे लिए कन्या लेकर आओ। ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। इसमें बेहुदा जैसा क्या है? जैसे फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग होता है वैसे ही मुझे भी आइटम सॉन्ग करने दो। आइटम सॉन्ग? और मुझे कोई देसी नहीं विदेशी चाहिए, या रशिया से लाओ या स्विट्जरलैंड से, वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं सर, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है, ख्वाब में सब हो सकता है। ये ख्वाब ही है ना? ख्वाब है, लेकिन परेशानी है कि इसका फैसला हम नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? सोता हुआ प्रेम प्रताप करेगा। जिस लड़की को वो चुनेगा वही उसके लिए आइटम सॉन्ग करेगी। अरे चाचा को बताओ ना। सही है, पता नहीं उसकी क्या ख्वाहिश है। भाई ये वही पुलिस का खबरी है जिसने हमारी बम ब्लास्ट की बरसों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। मरने से पहले एक बात जान ले, मैं अपने हर मंसूबे को पूरा करता हूँ। साधु को आज तक कोई रोक नहीं पाया। एक शख्स है। कौन है वो? बादशाह। बादशाह का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में खौफ दिखने लगा है। तुम्हारी मौत बादशाह के हाथों ही होनी है। तेरे मरने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। बादशाह उसी के साथ है जिस ऑफिसर के साथ मैं काम करता हूँ। ए, कौन है वो ऑफिसर? ए, ए, कौन है वो? कौन है वो ऑफिसर? उसका नाम क्या है? कौन है वो ऑफिसर? बादशाह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। भाई मुझे पहले भी उसने पीटा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अब समझ गया हूँ, वो नकाबपोशी बादशाह है। बिल्कुल भाई, क्योंकि प्रेम प्रताप सिंह तो कभी बादशाह हो ही नहीं सकता। उसकी औकात किसी पॉकेटमार को पकड़ने की भी नहीं है। उस बेवकूफ से हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो बादशाह और उसके पीछे जो पुलिस ऑफिसर है उससे। शादी का वक्त जैसे नजदीक आ रहा है, सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है। फिक्र मत करो, तुम्हें मैं अपना बना कर रहूंगा, थोड़ा इंतजार तो करो। मर गए। तू यहाँ पे किसी की शादी करवाने आया था और खुद सुहागरात मना रहा है? तू कैसा बेहुदा इंसान है? जिस पतीले में खाता है उसी में छेद करता है, शर्म नहीं आती तुझे? ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? तो फिर किससे पूछो? अरे उस सोते हुए प्रेम प्रताप से। कितनी बार समझाया कि ये लोग आने वाला दृश्य सब उसका ख्वाब है, फिर भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ हाँ याद आ गया, माफ करना यार, पहली बार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। उस जाहिल की सोच इतनी वाहियात कैसी? लो कर लो बात, ये मुझे कैसे पता? सही कहा, लेकिन ये सब जानकी को याद तो नहीं रहेगा ना? अरे पागल है आप, आपका ख्वाब उसे कैसे याद रहेगा? माफ करना मेरे भाई, वो प्रताप की सोच की वजह से ये प्रताप कंफ्यूज हो जाता है। राम, उन्होंने हमारे मुखबिर केशव को मार दिया है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि साधु भाई इस वक्त शहर में ही मौजूद है। तुम जरा होशियार रहना, हमारा मिशन पूरा होने से पहले बादशाह के बारे में किसी को भी भनक ना लगे। मैं बादशाह हूँ, इसकी खबर तो मेरी माँ को भी नहीं है सर। ठीक है, रखता हूँ सर। अच्छा बता, पूरे मुल्क की पुलिस जिसे तलाश रही है वो तू है? नहीं माँ, मैं। अब एक लफ्ज भी मत बोलना, जिस बात का खौफ था वही हुआ। अपने बाप की तरह तू भी एक मुजरिम बन गया ना? जी जी, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। माँ मेरे बादशाह बनने की वजह से तू है। माँ ये कब आएगा? आता ही होगा। कैसी हो माँ? आ गया तू? कैसे भैया? बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्धू मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तू जानता है ना, सोचा साथ बैठकर नाश्ता करेंगे तो आज भी ले। इसके देरी से आने के पीछे कोई वजह होगी। बस उसी की तरफदारी करिए आप। ये प्रिंट करा रहा था इसलिए देर हो गई। तुम जब कॉफी पियोगे तो तुम्हें मेरी और माँ की याद आएगी, और जब हम कॉफी पियेंगे तो हमें तुम्हारी याद आएगी। देखा इसे, ये है मेरा बेटा। पागल है ये, हाथ लाओ। भैया अब तो मुझे हर पल याद करता रहेगा, कैसा लगा माँ? जिंदगी भर ऐसे ही रहना। मैं तो रहूंगा माँ, इन पे शक है। मुझ पर शक है? वो तो होगा ही, सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ के यूएस जो भाग रहे हो। देख यहाँ आईएएस और आईपीएस जो कमाते हैं ना, उससे वहाँ 10 गुना ज्यादा कमाऊंगा। सबकी सोच ऐसी हो गई है, इसी वजह से हमारा हिंदुस्तान आज पीछे रह गया। अच्छा बैंगलोर का है? हिंदुस्तान में ही है ना। अच्छी नौकरी मिल रही थी फिर भी नहीं गया, पूछो इसे। तू वहाँ क्यों नहीं गया?
माँ भाई तो आपके साथ बचपन से हैं, मुझे तो आपने गोद लिया था ना, इसलिए अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे सड़क से उठा के अपनी औलाद की तरह पाल पोस के बड़ा किया, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। फालतू बात करेगा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। देखो ना माँ, मुझे एक पल में पराया कर देता है। अरे माफ करो भाई, आइंदा नहीं बोलूंगा। ऐसा कहा ही क्यों? अरे माफी मांगी ना। अब जाने भी दे राम, ये जबरदस्ती खफा हो जाते। नाश्ता करो। अरे माँ, मैं अपना बैग भुलाया, अभी लाता हूँ। संभल कर रोड क्रॉस करना। सिद्धू, मैं ठीक हूँ। देर हो रही है, जल्दी आ। तहकीकात से पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में साधु भाई का हाथ है। हमने टीम लगा दी है, दोबारा ऐसा हादसा ना हो इसलिए हमने कई कड़े इंतजाम किए हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट में मरने वाले के परिवारों को सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। भाई ये खबर पढ़ी तुमने? पूना की बेकरी में बॉम्ब ब्लास्ट, बेचारे कई मासूम लोग मारे गए। हिंदुस्तान में ऐसा होता रहता है। इस ब्लास्ट में मैं मरता तब भी यही कहते, इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ गरीबी नहीं है, टेररिस्ट और माफिया ही असली तकलीफ है। इन सबको साथ में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सर, मैं पुलिस फोर्स में पावा और प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए आना चाहता हूँ। मैं साधु के गैंग को खत्म करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे देश में बेकसूर लोगों की जाने गई है। इसीलिए मैंने प्रीलिम्स में 90% स्कोर किए थे, फाइनल्स 95% से क्लियर किए, ट्रेनिंग पीरियड के हर इवेंट में फर्स्ट ग्रेड से सिलेक्ट हुआ हूं। फिर भी आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, वजह जान सकता हूं सर? तुम्हारे पिता, तुम्हें रिजेक्ट करने की वजह है तुम्हारे पिता धनराज। मेरे पिता 20 साल पहले गुजर गए, वो वजह कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पिता जिंदा है। तुम जिस साधु को खत्म करना चाहते हो उसी साधु के साथ मिलकर तुम्हारा बाप कसीनो चलाता है, और कानून के मुताबिक जिस परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री हो उसे भर्ती नहीं करते, इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट किया। 20 सालों से मैं साधु भाई को पकड़ने के लिए अपना दमखम लगा रहा हूँ। तुम्हारे पिता धनराज एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, काबिल होने के बावजूद उन्हें कहीं काम नहीं मिला तो तनाव में आकर वो साधु भाई के फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए। जिस वक्त वो हिंदुस्तान छोड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया, और एक झूठे एक्सीडेंट के बदौलत साधु ने तुम्हारे पिता धनराज को ये यकीन दिलाया कि तुम लोग उसी हादसे में मारे गए हो। इसी तरह उन्होंने धनराज की मौत का भी तुम्हें यकीन दिलवाया। राम, सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी बातों में और आंखों में एक जुनून देखा है। अपने पिता के जरिए तुम उस गैंग में आसानी से शामिल हो सकते हो। इंटेलिजेंस ने बताया कि साधु भाई हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। अगर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करोगे तो तुम्हारे पिता पर लगाए सारे इल्जाम हटा दूंगा, क्या कहते हो? जरूर सर, आज से मेरा भी लक्ष्य है साधु भाई। इस तरह मिशन बादशाह की शुरुआत हुई। अपने अंकल के जरिए इसने उस गैंग से जुड़ के कई खतरनाक मुजरिमों का खात्मा किया। साधु भाई के मेजर बॉम्ब ब्लास्ट के मंसूबे को नाकाम करके इसने पूरे शहर की जान बचाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने उस दलदल से अपने पिता को निकालकर एक नेक राह दिखाई है। माफ करना बेटा, मैंने खामखा तुम पर शक किया। कोई बात नहीं माँ, डैड हमेशा आपका जिक्र किया करते हैं। कहाँ है वो?
बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उसे सुधारते हैं। तूने बेटे का फर्ज निभाया और मुझे सही राह दिखाई। ऐसे बेटे की माँ होना बड़े नाज की बात है। मैंने इटली में जो कुछ किया वो सोच कर बड़ा अजीब लग रहा है। मैंने गेंद की फिलोसॉफी से तुम्हें बहुत पकाया ना, तुमने वहाँ मुझे अपने अलग अलग रंग दिखाए, फिर भी मैं नहीं समझ पाई। अरे हटाओ उसे, चलो आशिक तुम आना, अब पति भी मान लेना। इतना आसान भी नहीं है, आदेश गद्दार है और पापा इससे अनजान है, शादी कैसे रोक पाएंगे, कैसे होगा ये। अरे कल संगीत में मैंने म्यूजिक और डांस का तगड़ा इंतजाम किया है। रामराज आज का संगीत ऐसा हो जो पूरे शहर में धूम मचा दे। सब इंतजाम हो गया है ना? इंतजाम अप टू डेट, पर अगर आप कोई खलल नहीं चाहते तो प्रेम प्रताप को शराब से दूर रखिए, गुजारिश कीजिए ना। जाओ जाओ खेलो। प्रेम प्रताप जी बच्चों में बहुत मशहूर हैं आप। साफ दिल का हूं इसलिए पॉपुलर हूं मैं। खूब कहा। देखो एक गुजारिश है तुमसे। क्या है? मैं नहीं चाहता कि शहर के लोग हमारे परिवार का मजाक उड़ाएं, इसलिए आज शराब मत पीना। तेरी कार्टून फैमिली की वजह से मैं शराब छोड़ दूं? अरे क्या बदतमीजी, घर के बुजुर्ग हैं, इनकी बातों को नकारिए मत। मेरा हमराही कह रहा है इसलिए ओके। भैया हाँ वो हो गया। निर्मला ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो किसने दावत दी इसे? मैंने अंकल। तुमने? वो हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तुम नहीं जानते। गुस्सा मत कीजिए अंकल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ दुश्मन को सजा देने का ये अंदाज नहीं है। तो फिर अगर उन्हें सबक सिखाना है तो उन्हें अपने घर पर बुलाइए। अरे जब वो आपकी शान और शौकत देखेगा तो शर्म के मारे डूब मरेगा। क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप कैसे हैं भैया? बिल्कुल ठीक हूं। आप ठीक हो ना भाई? हाँ ठीक हूं। कैसे हैं साले साहब? मेरी गरीबी की वजह से तुम निर्मला का हाथ मेरे हाथ में नहीं देना चाहते थे ना? उसके बावजूद आप निर्मला को भगा ले गए थे। आज उसी गरीब के घर की बेमिसाल शादी देखो। अच्छा सुनो गोपी, साले साहब की खातिरदारी में कमी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, काफी सालों बाद भैया से मुलाकात हुई। शुक्रिया मुझे नहीं जानकी को कही, इसी ने मुझे सब कुछ बताया। मेरी बच्ची। नमस्ते नमस्ते समधी जी, आपने तो अभी से शादी का माहौल बना दिया है। तो क्या शादी कैंसिल? अरे आप लोग तो मायूस हो गए, कहा था ना शादी में मजाक चलता है। आदेश तुम जल्द से जल्द ये जानकारी हासिल करो कि इस प्रेम प्रताप के पीछे बादशाह कौन है। ठीक है डैड। सर मेरे पास एक खुफिया खबर है, मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों से प्रेम प्रताप कुछ अलग ही तरीके से पेश आ रहे हैं। एक बात और कहनी थी, वो कह रहे थे कुछ बेगम गुलाम। हाँ सही कहा आपने, उन्हें वो रोज कॉल करते हैं सर, अच्छी बन रही है उनकी और रात में तो वो मिलने भी चला आता है। तुमने बादशाह को देखा है? कोशिश तो की थी पर घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। पर एक बात बताना चाहता हूँ सर, वो आदमी बहुत ही खूंखार है। आपको एक और राज की बात बताऊँ? हाँ बताओ। वो आपको मारने वाला है, आपके साथ एक और क्या नाम था, सिद्धू भाई। साधु भाई। हाँ बिल्कुल, आप दोनों साधु भाई के नौकर हैं क्या? नहीं नहीं, लेकिन ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? ये शादी वादी में क्या मिलता है सर, थोड़ा चाय पानी का खर्चा निकल जाए। इस बात का जिक्र किसी और से मत करना। शुक्रिया सर, जानकारी के साथ एक सलाह भी दे दूं, मुफ्त है। हाँ बोलो। आप उस छुटकू को एक खंबा पिला दो, सारी दुनिया की खबर दे देगा। लेकिन बॉटल फ्री है सर। कैसे अंकल जी, क्या समाचार हैं? हाँ। ये खासकर आपके लिए लाया हूँ। क्या बात है, मैंने राम से वादा किया कि मैं नहीं पीऊंगा। हाँ जानता हूँ। हाँ। पर दूल्हे को मना तो नहीं कर सकते। हाँ। ना जूस ही पी लो। जूस पीऊंगा जूस। राम कल तक ये गर्म था, आज ठंडा कैसे हो गया? क्या पता सोए हुए प्रेम प्रताप का क्या इरादा है, वही जाने। अंकल जी जूस। दो क्यों, फ्री में मिल रहा था? अच्छा लगे तो और पी लीजिएगा। अच्छा अच्छा है, अच्छा है ना, फ्री का माल अच्छा है। एक और पीजिए ना। अच्छा एक और पियेंगे अंकल? ले आ, फ्री का माल में कभी नहीं छोड़ता। सुना जूस तो गायब हो गया। अच्छा इतना सारा कहाँ चला गया? ऐसा नहीं है। रामराज मेहमान आ गए हैं, प्रोग्राम शुरू करो। हाँ सर, घर की लेडीज ने एक सरप्राइज डांस रखा है, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये रोटी बेलने का काम नहीं है, मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगी, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगी। हमारे परिवार में कोई भी फंक्शन हो उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। भरतनाट्यम नहीं ये तो भूतनाट्यम है। नशे में आड़े तेड़े स्टेप्स कर रहे हो और खुशी के नाम पे मातम वाला एक्सप्रेशन दे रहे हो, है?
निर्मला। अरे चिल्लाइए मत। क्लासिकल डांस का क्लास पता भी है क्या आपको? भरतनाट्यम करने से पहले सीख तो लेते। आपके हिसाब से सिर्फ लड़के ही डांस कर सकते हैं? अब समझ में आया कि सारा जूस गया कहां। मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मिनटों में स्टेज को हिला के रख देंगे। ए डीजे, म्यूजिक बजा। बेहयाई है, तुम परिवार के फंक्शन में शराब कैसे पी सकती हो? पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तुम भी मिले हुए हो। जाने दीजिए ना सर। ये तो बददिमाग है। पर तुम तो समझदार हो। इनकी गलती नहीं है सर। तो फिर किसकी गलती है? उसमें आदेश ने शराब मिला दिया। ये देखिए, मैंने सब रिकॉर्ड किया है। आदेश, उस गिड्डे ने बादशाह के बारे में कुछ बताया? अरे वो क्या बताएगा, वो तो दारू पी के टल्ली हो गया। कोई फायदा नहीं, इस गिड्डे प्रेम प्रताप सिंह को अगवा कर लेते हैं, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तेरी क्या औकात जो तू मुझे अगवा करेगा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हर डिपार्टमेंट में मैं तुझसे बढ़िया हूँ, इसलिए मुझे चुप करा रहा है तू? एक चिल्ला मत वरना तेरा गला घोट देगा तू। चला घोट घोट, मैंने घाट घाट के घूट पिए थे। आदेश, चुप कराओ। तुम कैसे इंसानों में अच्छी तरह से जान चुका हूँ। पहले तुमने जूस में शराब मिलाई, अब मेरे बहनों पर हाथ उठाया। अरे तुम में तमीज है कि नहीं? आपका दामाद ही है ना, गलती हो गई। शादी में मजाक तो चलता ही है ना। बेहुदा मजाक है कि मेरे बहनों पर हाथ उठाए, वो भी मेरे घर में मेरे सामने। मेरा साला तो मुझे मेरी बीवी से ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारा जमीर जिंदा है तो इनसे माफी मांगो। अरे इसमें इतना सोच क्या रहे हो, शादी टूट जाएगी, माफी मांग लो। ये क्यों माफी मांगेगा, सबकी बातें सुने और पैर भी पड़े। इस कमिश्नर को इसके कदमों में गिरना चाहिए, तुमसे कहीं ज्यादा हमारा रुतबा है। क्या फायदा ऐसे रुतबे का, किसकी गलती पर इसको डांटने के बजाय इसका साथ दे रहे हो। फूल फूल कर गेंडे बन गए हो, दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? उठे जबान को लगाम दे। बुढ़ा बुढ़ा कहा तुमने मुझे? चले जाओ यहाँ से वरना धक्के देकर बाहर निकलूंगा। हमने भी हाथों में कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे क्या गुंडों की तरह लड़ रहे हो, रिश्ता तोड़ दो और अपने अपने घर जाओ। अरे इस तरह लड़ोगे तो सोसाइटी में बदनामी होगी। सही कहा तुमने, शादी रफा दफा। अरे तू क्या कैंसिल करेगा, मैं करता हूँ ये शादी रफा दफा। चल दफा हो जा। हाँ जा रहे हैं, घटिया खानदान। तू होगा घटिया, तेरा परिवार घटिया, तेरी औलाद घटिया, तेरी तालीम घटिया। जीजा जी, इस शादी के टूट जाने से हमारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने वाली। हो सकता है शायद आपकी नसीब में इससे बेहतर दामाद लिखा हो, इसलिए ऐसा हुआ हो, क्या कहते हो? बिल्कुल सर, उसका थोबड़ा तो जान के मैम के सामने पानी कम चाहे। इस खूबसूरत चेहरे के लिए तो दूल्हा चाहिए बिल्कुल। डिपार्टमेंट के खातिर केशव ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके परिवार का ध्यान रखना अब हमारा फर्ज है, इसे रख लो। थैंक यू अंकल।
शुक्रिया तो हमें तुम्हारे पापा को कहना चाहिए, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो जरूर कहना। आईजी, दुनिया भर की पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई और तू मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा है। हम जानते हैं कि आदेश ने आरडीएक्स पुलिस के हवाले नहीं किया, और ये भी जानते हैं कि तेरे साथ कौन है, वो कहाँ है, बस इतना बता दे और मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। हे साधु, आदेश जैसे गद्दार पैसों के लिए देश से गद्दारी कर सकते हैं, पर कई पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अब बता, मुझे फिल्म में क्यों लेना चाहता है? टीवी पर तेरी दहाड़ देखकर मुझे लगा था कि मेरी फिल्म रोर करेगी। पर मुझे कौन देखेगा? एड़ा रॉबर्ट हमें साथ देख के कांपने लगेगा। और ना कांपा तो मैं कांपूंगा। तेरा उसका रिश्ता क्या है बे? दुश्मनी है? मैंने उसे एक्सटॉर्शन के बजाय टेंशन दिया, उसने दौड़ाया, मैं भागा। इटली में मुझ पर अटैक भी किया था। चंगू जैसा फेस लेके इटली क्यों गया था? लोकेशन देखने गया था, पर वहाँ के कोऑर्डिनेटर ने दगा कर दी। अच्छा, अबे सस्पेंस मुझे पसंद नहीं, कहानी बता। वो तो नहीं आया, पर उसने अपनी भांजी को भेज दिया। अबे पुरानी कैसेट प्ले हो जाए। और वो साथ में उसके दो चमचे भी आए। अबे आज बोलेगा, एक दिन और लेगा। नहीं, वो मेरे सोचने में तकलीफ है, कहानी सुनाते ही किरदार सामने नजर आता है, इमेजिनेशन कड़क है। अरे वाह, ये तो मेरा जुट्टी है, इसे भी मेरी तरह ख्वाब आते हैं, इसकी पिक्चर में काम करके शायद मुझसे हीरोइन बन जाए। वैसे मेरे ऑपोजिट कौन है? बनी लियोनी। और सेकंड हीरोइन? सलीका अरोरा खान। सब तरफ सच हो रहा है। वैसे ये लोकेशन का है? सीधा आइटम सॉन्ग से शुरू करते हैं। दिखाता हूँ, यही पास में ही है। वैसे वो मेरी सेकंड हीरोइन वहाँ पे आने वाली है ना? वहाँ पे वो भी है, मिलवा देता हूँ। क्या बात है, चलो जल्दी चलते हैं। स्कर्ट वाली गायब, पैंट पजामे वाले हाजिर, येरा रॉबर्ट, आदेश, साधु भाई, गेंडा, ये भी स्टार कास्ट में है। अच्छा, इन सबको इकट्ठा करके क्लाइमैक्स की सिचुएशन बनाई होगी ताकि मैं अच्छे से सबकी बजा सकूं। ए बच्चन की दुकान, तेरी वजह से हमारी ये हालत हो गई है, अब उसे इसके हवाले कर और हमें आजाद कर। मुझे मूवी की प्रमोशन के लिए जाना है। तू मुझे क्या हवाले करेगा, मैं तुम सबका हवाला हाथ में बंद कर दूंगा। अबे आदेश, ये भैंसा और तू यहाँ पे गुंडों के साथ क्या कर रहा है? अबे गला मत फाड़, बादशाह कहाँ है? बादशाह की गली में आके बादशाह का पता पूछ रहा है? मैं हूँ बादशाह, झंडे अभी गाड़ते हैं और ए, तूने प्रताप पे हाथ उठाया? बंदूक में से निकलती है गोली, तोप में से निकलता है गोला। ए, तुझे निकल गया गोला। ए? अरे कट बोलिए ना, देर हो रही है। अरे मैंने कट बोला तो हम सबको कट कर देगा। तेरे को कट करूंगा। ए, मुझ पे हाथ उठाता है तू? बादशाह की दुनिया में बादशाह से बगावत? ये तेरी दुनिया है? हाँ, ये मेरी ही दुनिया है, सर जमीन जोरू मेरी है। बाढ़ में गई तेरी दुनिया है, फालतू की बकवास किए जा रहा है। मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ, तुम सब मेरी दुनिया में हो, ये पूरी सल्तनत मेरी है। सोए हुए प्रेम प्रताप की ख्वाहिश है कि तुम मेरे सपने में आओगे, मैं तुम्हें पीटूंगा, और वो सो रहा है। अच्छा, लेकिन वो कहाँ सो रहा है? उनसे जिक्र मत करना कि अब ख्वाब में। बता दिया तो सपने में ही लुढ़क जाएंगे। नामुमकिन, मैं कभी नहीं बताऊंगा। दाया, दाया, दाया। अबे सबर कर मेरे बाप, अगर मैंने सच्चाई बयां कर दी तो मैं मारा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। नहीं बताएगा तो भी मारा जाएगा। अरे दाया, अरे ख्वाब में खून कैसे निकल रहा है? ये तो खूंखार ख्वाब हो गया। मुझे अब इस ख्वाब का हिस्सा नहीं बनना, मुझे इससे तुरंत बाहर निकलना होगा। आग बंद करके सिर्फ गाना गाओ। हमें सांप सूंघ गया क्या? बोलना। सर मुझे दो मिनट का वक्त दे दीजिए, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, प्लीज। ठीक है। अरे खुद चली भी मार दिया रे। है क्या? अरे ये नाटा तो ऐसे सो गया जैसे ये घर से दहेज में मिला हो। अबे उठ 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 रहा है, उठ रहा है। ये लो, लगता है मशीन बिगड़ गई है, चाइना का माल ऐसे ही होता है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। सुबह हो गई मामू, उठ जा। रामराज ने मुझे बकरा बना दिया। ए, कौन रामराज, कैसा दिखता है बोल। कॉलर छोड़, बताता हूँ, उसी ने तो मुझे फंसाया है। ये रही उसकी प्रोफाइल पिक्चर। अरे ये तो वेडिंग प्लानर है। शट अप, यही बादशाह है। हाँ, यही है बादशाह। अगर ये बादशाह है तो फिर शाहरुख खान कौन है? साधु, उसकी चाल को समझना नामुमकिन है, इसीलिए तो हम लोग उसे मास्टरमाइंड बादशाह कहते हैं। जानकी का सहारा लेके आदेश का पर्दाफाश किया और प्रेम प्रताप को ड्रीम मशीन का झांसा देकर आदेश को उकसाया और तुम्हें यहाँ आना पड़ा।
पर तुझ जैसे भेड़िए को अपने जाल में फंसाने के लिए बादशाह ने बकरे का इस्तेमाल किया। अरे ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, ये वही मशीन है। आप इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं। मेरे ख्वाब में वो क्या बोलेगा? फैसला हम नहीं कर सकते। कौन? सोता हुआ प्रेम प्रताप करेगा, आप सपने के बादशाह बन जाएंगे। तो ये ख्वाब नहीं है? ये तुझे अब तक समझ नहीं आया? नहीं है तो पूरी दुनिया में उसने मुझे ही बकरा क्यों बनाया? अबे तू वो दाना है जिसे कबूतर भी खाना पसंद नहीं करते। आदेश, अब यहाँ रुकना सेफ नहीं। विल्सन से कहकर जल्द से जल्द हमारे निकलने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाओ। रामराज सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जिस दिन तुम्हारा आरडीएक्स हिंदुस्तान में पकड़ा गया था, उसी दिन मैंने इसे अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया था। इसे तो एक्टिंग में भास्कर मिलना चाहिए। साधो, जब इसने माफिया को धूल चटाई थी तब इसके पास वर्दी नहीं थी, और आज तो इसके पास वर्दी है, तो सोच जरा आज ये तेरा कितना पूरा हशर करेगा। बादशाह, कई पुलिस वाले आए और गए, लेकिन कोई भी मुझे यहाँ तक नहीं ला पाया, पर तूने कर दिखाया। मांग, तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे यहाँ से जाने दे। साधो, इन जैसों का ईमान कौड़ियों के भाव बिकता है, इसीलिए तूने इन्हें खैरात देकर खरीद लिया, लेकिन अपना ईमान प्राइसलेस है। मेरा नाम है रामराज, मेरा नाम है रामराज, मेरा नाम है रामराज। इस नाम का मतलब भी जानते हो तुम? श्री राम ने जब धनुष उठाया तो रावण का वध हुआ और लंका चलकर खाक हो गई। और आज तेरा वध होगा। एक कदम आगे बढ़ाया तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्या स्टंट है भाई? अगली पिक्चर में यही तरीका अपनाते हैं? हाँ, वही शेट्टी का भी यही तरीका है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है सर। Yeah.
आज तक तेरे किए गए बम ब्लास्ट में कई मासूमों की जानें गई हैं। उन्हीं में से एक बेकसूर मेरा भाई सिद्धू था। तू पाताल में भी होता तो तुझे वहां से लाके जान से मार देता। जो वादा मैंने किया था उसे आज पूरा कर दिया। गेम ओवर। बादशाह, जितने भी थे सब मर गए, एक मैं बचा हूं और एक तू बचा है। डोंट यू थिंक कि अब तेरी बारी है? मेरे पास गन है। Shall I try my luck? Hey, shit! बच्चा 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 नहीं। Sir, mission बादशाह is completed. हमारे खानदान की रीत अभी भी कायम है। पुलिस ऑफिसर ही मेरा दामाद बना, ये सब ऊपर वाले का करम है। डैड, आज आपको खुश दिखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर मैच जीत लिया हो। मिसाल पुरानी है पर तरीका नया है। मामा जी, ये सब एक ख्वाब जैसा नहीं लगता? फिर से ख्वाब? उम्मीद है आपको पिक्चर पसंद आई हो।